अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। आज की ये वीडियो है आईएसएल 202 की फाइनल टर्म प्रिपरेशन के बारे में। इस एक वीडियो के अंदर हम लेक्चर नंबर 16 से लेक्चर 30 तक कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे न्यू पैटर्न के हिसाब से। एमसीक्यूज बेस आपका पेपर है, एमसीक्यूज बेस ही प्रिपरेशन करवाई जाएगी इस वीडियो के अंदर। और इस एक वीडियो से ही आप लोगों की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक बुक को टच भी नहीं किया, यकीन करें कि उन स्टूडेंट्स की भी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए हाइलाइटेड हैंडआउट्स मैंने रेडी किए हैं, जिसमें आप लोगों के न्यू पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यूज बेस हाईलाइट की गई हैं चीजें। उन हैंडआउट्स को आप तैयारी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिवीजन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। रिवीजन के लिए इस्तेमाल करते हुए ये होगा कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, टाइम नहीं है ये वीडियो दोबारा से पूरी देखने का, तो आप सिर्फ जो लेक्चर आप कर रहे हैं उसी लेक्चर के नेम के ऊपर जो ब्लू हाईलाइटेड नेम होगा, जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो उसी के रिलेटेड आपको गाइडेंस वहां पे वीडियो प्ले हो जाएगी, आपको गाइडेंस मिल जाएगी, आपको दोबारा से ये पूरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा और इजीली रिवीजन भी हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें हम वन बाय वन लेक्चर 16 से 30 तक एक एक टॉपिक को न्यू पैटर्न के हिसाब से कवर करते हैं। फाइनल टर्म सिलेबस के अंदर हमारा पहला लेक्चर है लेक्चर नंबर 16। यहाँ से हम अपना फाइनल टर्म सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर भी मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा आप लोगों के एमसीक्यूज बेस से वो मैंने इसमें जो है वो हाईलाइट कर दिया। मजीद हम साथ साथ रीड भी करते जाते हैं ताकि ये वीडियो देखने के साथ ही आप लोगों की मुकम्मल तैयारी भी हो जाए। मेरी कोशिश यही होगी कि जितना भी इसके अंदर से इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपके सामने जो है वो समझाती जाऊँ, अगर कोई समझाने वाली बात है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट तो हुए हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है ये है सीरत ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे जो सीरत लफ्ज है वो कहते हैं ये उर्दू जबान का भी लफ्ज है और ये अरबी जबान का लफ्ज है। उर्दू में इस तरह से लिखा जाता है, अरबी में इस तरीके से लिखा जाता है। और ये जो लफ्ज है ये लफ्ज सीर से निकला है और इसका मतलब क्या है, चलना, टू टेक पाथ, कोई रास्ता इख्तियार करना, कोई मैथड इख्तियार करना, ये इसका मतलब है। और इसका जो प्लूरल है वो सीयर है। ये आपका यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकता है। उसके बाद जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी है, जो सीरत है उनकी, तो वो हम कहाँ से हमें पता चलती है, तो वो कहते हैं जो फर्स्ट अथेंटिक सोर्स है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जो हमें मालूमात देता है वो कुरान पाक है। उसके बाद जो कुरान पाक की तफसीरात हैं और जो अहदीस हैं उनसे हमें हदीस की इंटरप्रिटेशन जिनमें हुई हुई है वहाँ से पता चलता है। और उन्होंने यहाँ पे ये कुछ बुक्स का नाम बताया हुए, दलाइल नबूवत, मौजज़ात, और ये सारी बुक्स यानी जिनसे हमें पता चल जाता है कि मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में। तो ये हमारे मेनली जो है वो दो हमारे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि अथेंटिक सोर्सेज होते हैं कुरान और हदीस, जिनसे हमें पता चल रहा है नबी पाक सल्लम की जिंदगी के बारे में। बाकी मिड टर्म के सिलेबस में हम लोगों ने मोस्टली आयात को अवॉइड किया था कि हम मतलब मुझे ये लगता था कि वो लोग आयात के साथ इतना ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को एज इट इज इनका तर्जमा वगैरह नहीं आता, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है वो आयात दी थी। तो इस बार कोशिश कीजिएगा कि एक बार इन आयात को जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि अगर इनका जो है मतलब आप लोगों को तर्जमा वगैरह देखना पड़े या जिस तरह से आप पीछे आपके एमसीक्यूज आए हैं तो आप लोग एक बार आयात को जरूर रीड कर लीजिएगा। इस बार मैं ये नहीं कहूंगी आप लोगों को बिल्कुल आयात छोड़ दें, लेकिन याद रखिएगा कि जो कॉमन आयात होती है वही आती है। बहुत ज्यादा लंबी लंबी बड़ी बड़ी आयात या बड़ी बड़ी अहदीस को वो लोग नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ के बारे में बात हो रही है, तो वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ के टाइम पे जो इवेंट्स हुए, जो मतलब गैर मतलब जो नॉर्मल नहीं थे, एबनॉर्मल इवेंट्स जो हुए उनको अरहसात कहा जाता है, अरहसात, ठीक है। अब उनमें क्या है, हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के टाइम पे मैंने अपने अंदर से एक नूर निकलता हुआ देखा जो फैल गया था। उसके अलावा कहा जाता है कि जो है वो किसरा का जो था महल, उसके 14 जो किनारे थे वो गिर गए थे। उसके अलावा जो बड़ा आतशकदा था मजूसियों का वो बुझ गया था। तो ये वो वाकयात जो है इनको क्या कहा जाता है, रहसात कहा जाता है। उसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये इंपॉर्टेंट जो तारीखें आएंगी ये आप लोगों ने जरूर याद करनी है, क्योंकि कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, 12 रबी अव्वल है वैसे तो हमें पता है, लेकिन दूसरी तरफ से हम देखें तो 22 अप्रैल है 571 AD, ये जो हम कैलेंडर के हिसाब से और हिंदी कैलेंडर के लिहाज से 1 जेठ 628 बकरमी बनता है। ये आपको डेट्स याद रखनी पड़ेगी, किसी भी तरीके से जो है वो आपके पास आ सकता है सवाल। उसके बाद जो टाइम ऑफ बर्थ है वो कहते हैं कि जो बताया जाता है वो है 4:20 मक्का में जो है वो मंडे की मॉर्निंग आप पैदा हुए थे। उसके बाद बर्थ प्लेस जो है, बर्थ प्लेस क्या है, क्यों कहते हैं कि वेल नन मशहूर हाउस जो था हरम काबा सुकुल्लैल, यानी सुकुल्लैल के अंदर हरम काबा जो है वो बर्थ प्लेस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद जो मेनली चीज़ है वो है नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसने रखा था, तो जो ग्रैंडफादर हैं
नबी करीम सल्लम के जो दादाजी हैं उन्होंने आपका नाम रखा था मोहम्मद, और मोहम्मद जो लफ्ज़ निकला है वो हम्द से निकला है, और हम्द का मतलब होता है तारीफ़ करना, और मोहम्मद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया गया, जिसकी बहुत ज़्यादा या बार बार तारीफ़ की जाए उसको मोहम्मद कहा जाता है। उसके अलावा जो नर्सिंग या इन्फेंसी जो परवरिश की है आपकी, जो आपको फीड करवाया गया है शीरखवारगी के अंदर, वो 6 औरतें उसमें इंक्लूड हैं। ये आपको 6 के 6 नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब उनकी मतलब अनरियल मदर समेत 6 औरतें इसमें शामिल हैं, ये आपको नाम सारे याद रखने हैं। हजरत आमना, उसके बाद हजरत लहब सोबिया, जो हजरत अबू लहब की जो लौंडी थी सोबिया, वो है यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास आतिका, फिर है खौला बिनत मंजर, उसके बाद हलीमा है, और फिर उसके बाद आखिर में जो है वो उम्मे ऐमन है, ठीक है। उम्मे ऐमन के पास आप ज्यादा टाइम रहे थे, इस वजह से उन्होंने अलहदा से उनका जिक्र किया हुआ है यहाँ पे। तो टोटल मिला के ये कितने हैं, 6 लोग हैं जिन्होंने आपके शीर ख्वारगी में परवरिश की है या आपको संभाला है, ठीक है। वो अब यहाँ पे जो रीजन ऑफ फॉस्टर केयर के, दूसरे लोगों ने क्यों संभाला, इतनी औरतों के हाथों में आप क्यों गए, तो वो कहते हैं कि ये रिवाज था अरबों के अंदर कि जब उनके बच्चे पैदा होते थे तो वो उनको रूरल एरियाज में, गांव के अच्छे माहौल में, के प्योर एनवायरनमेंट के अंदर उनकी परवरिश हो तो वो दे देते थे, जो वहां पे दाइयां होती थी वो दे देते थे। इस तरह नबी करीम सल्लम जब पैदा हुए थे तो वहां पे बनू साद कबीले की जो मतलब आई थी हजरत हलीमा आई थी, उनको जो आपको जो है वो हैंड ओवर कर दिया गया था ताकि आपकी अच्छी परवरिश हो सके। तो यहाँ पे हजरत हलीमा के बारे में बताया गया कि हजरत हलीमा के घर में जब आपने अपने मतलब बहुत ही छोटी एज में, बिल्कुल 2 महीने के अभी आप थे, तो आपने जो है वो अपने हाथों और पाँव पे मतलब जो है वो चलना शुरू कर दिया हाथों और पाँव के सहारे से। 3रे मंथ में आप जो है वो खड़े होना शुरू हो गए थे, 4थे मंथ के अंदर आप जो है वो दीवार के सहारे से जो है वो चल लेते थे, उसके अलावा 5वें महीने के अंदर विदाउट एनी सपोर्ट आपने जो है वो खड़े होना शुरू कर दिया था, और 8वें मंथ में आपने बोलना शुरू कर दिया था, और 9 महीने के जब आप हुए थे तो आप फ्लुएंटली विदाउट एनी रुकावट विदाउट एनीथिंग बिल्कुल फ्लुएंटली जिस तरह बड़ा बंदा बोलता है इस तरह बोलते थे। ये चीज़ आपके पास एमसीक्यूज में आ सकती है। उसके बाद हजरत आमना की डेथ जब हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज जो है वो 6 साल थी, और कब उनकी डेथ हुई थी, जब वो सफर पे थी, ट्रेवल कर रही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थी और उम्मे ऐमन भी साथ थी, और उनका जो मकबरा है वो कहाँ पे है, मदीना में, जो उस वक्त जिसका नाम यसरब था वहां पे जो है वो इनका मकबरा बनाया गया है। उसके अलावा जो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि उसके बाद फिर हजरत अब्दुल मतलब ने आपकी जो है, पहले आपके दादा ने परवरिश की, फिर उसके बाद आपके चचा ने आपकी परवरिश की, तो फर्स्ट ट्रेड जो आपने की, पहली बार तजारत के लिए जब आप गए तो आपकी एज 12 साल थी, अपने चचा के साथ आप गए थे, कहाँ गए थे, सीरिया गए थे। उसके बाद जो पहली आप जंग लड़ी, जो जंग में जिसमें आपने हिस्सा लिया, इस जंग में आपने बकायदा कोई इस तरह से हिस्सा नहीं लिया था, अपने चचा को आप तीर पकड़ा रहे थे इस तरह से आपने हिस्सा लिया था। 15 साल आपकी एज थी, और पहली जंग का नाम क्या है, हरबे फुजार, ठीक है। उसके बाद हल्फुल फजूल एक एग्रीमेंट हुआ था, तो ये एग्रीमेंट जो है वो हरबे फजार है उसके बाद किया गया था, इसमें भी आपका हिस्सा है। उसके बाद जो दूसरा ट्रिप है, ये दूसरा जो तिजारत के लिए आपका काफिला गया था, वो था जो हजरत खदीजा ने भेजा था, और हजरत खदीजा का साथ में आपके गुलाम भी गया था मैसरा, जिसने आके सारा बताया था हजरत खदीजा को कि मतलब आप बहुत ज्यादा मतलब ऑनेस्ट हैं और आपने बहुत अच्छे से तिजारत की। वो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एज थी वो कितनी थी, 25 ईयर्स। पहली में एज कितनी है, 12 साल, दूसरी में कितनी है, 25 साल। उसके अलावा आपकी जो पहली शादी हुई है वो हजरत खदीजा से शादी हुई है आपकी, हजरत अबू तालिब से मशवरा करने के बाद आपने जो है वो शादी की थी हजरत खदीजा से। और उसके अलावा यहाँ पे जो है वो उस वक्त आपने जो है यहाँ पे देखें, द मैरिज सेरेमनी वाज प्रोनाउंस्ड बाय अंकल अबू तालिब एंड डॉवर ऑफ 20 कैमल्स वर पेड टू हर, यानी कि 20 जो है ऊंट वो दिए गए थे हजरत खदीजा को, 20 ऊंट दिए गए थे। ये छोटे छोटे यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ काबा, जो काबा है उसकी रिकंस्ट्रक्शन। अब काबा को सबसे पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को बोला था, जगह मतलब पर्पज एक इस पर्पज के लिए कि अल्लाह ताला का घर है ये बनाया गया था। आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। मुख्तलिफ जो दौर आते रहे उनमें ये रिबिल्ट होता रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल के थे जब कुरैश ने डिसाइड किया था कि वो काबा को रिबिल्ट करेंगे। उस वक्त भी काबा की दीवारें बारिशों की वजह से, उस वक्त बहुत बारिशें होती थी तो बिल्कुल मतलब खस्ता हो चुकी थी, और उन्होंने इसको रीबिल्ड करने का इरादा किया था। अब वो रीबिल्ड करने में जो रीबिल्ड का 4 दीवारें थी, तो वो चारों चारों दीवारें जो हैं वो चारों दीवारों का काम बांट दिया गया था मुख्तलिफ कबीलों में। अब ये ईस्टर्न वॉल जो है वो बनू जहरा के और अब्दु मनाफ के पास है, वेस्टर्न वॉल जो है वो बनू सहम और बनू जह के पास है और बनू अदी के पास है, उसके बाद साउथर्न वॉल जो है वो बनू मखजूम के पास है, और नॉर्दर्न वॉल जो है वो बनू असद और बनू अब्दुद्दार के पास है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो आर्किटेक्ट था, जो उस वक्त मिस्त्री था, वो रूमी बंदा था जिसका नाम बाकूम था, ठीक
ठीक है, जिसको रीबिल्ड करने के लिए, काबा को रीबिल्ड करने के लिए जो है वहां पे बुलाया गया था। उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई थी हजरत अस्वद कंस्ट्रक्ट करने लगाने की, कि ये कौन लगाएगा, कौन इंस्टॉल करेगा इसको, तो उसके बारे में जो तजवीज़ पेश की थी वो अबू उमैया बिन मुगैरा ने की थी। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अबू उमैया बिन मुगैरा ने कहा था कि सुबह जो भी मतलब खाने काबा में पहला बंदा दाखिल होगा वही मतलब वो उस बंदा को हम कहेंगे कि वो फैसला करे, और जो नाम उसने ले लिया वही बंदा करेगा। तो ये वो नबी करीम सलम दाखिल हुए थे और आपने कहा था कि एक जो है वो चादर के ऊपर रखा जाए हजरत अस्वद, और सारे कबीलों के सरदार उस चादर को पकड़े और जाके जो है वो कर दें। ये तो जो तजवीज दी थी ना ये चीज के, मतलब कौन करेगा, ये अबू उमैया बिन मुगैरा ने दी थी। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर से आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। जितने मेरे लिहाज से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते थे वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये तकरीबन 3-4 चैप्टर आप लोगों की सीरत के बारे में ही चलने, और अगर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सीरत वाले चैप्टर जो चलेंगे 4-5, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से सबसे ज़्यादा आपका एग्जाम आएगा। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है पार्ट टू है सीरत ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। वही चीज़ें आगे चल रही हैं। मजीद हम आगे चलेंगे बेसत के बारे में। बेसत, बेसत क्या होता है? बेसत या जहूरे बेसत का मतलब होता है टू अनाउंस प्रॉफिटहुड, यानी पैगंबरी का ऐलान कर देना, नबूत का ऐलान कर देना। ठीक है, ये इसका मीनिंग आपने याद रखना है। वो कहते हैं कि जो नबूत का आगाज हुआ था वो हुआ था सच्चे ख्वाबों से। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते रहे, इबादत करते रहे। कितने कितना टाइम तक वो इबादत करते रहे, और तकरीबन 3 साल तक उन्होंने मतलब सिर्फ ये दुरानिया रखी, वो इबादत करते थे, वहां जाते थे। उसके बाद 40 साल की उम्र में मंडे की रात को 17 रमजान को पहली वही उन पर नाजिल हुई थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आए थे, और पहली वही क्या है ये आपको आयत मुबारक भी याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपने सबसे पहले कि मुझ पर वही आई हजरत खदीजा को बताया था, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। औरतों में से सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया, मर्दों में से सबसे पहले हजरत बकर सदीक ने इस्लाम कबूल किया, और बच्चों में से सबसे पहले हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद गुलामों में से सबसे पहले हजरत जैद बिन हारसा ने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद आपको हुक्म हुआ कि वह अनजर अशीरत अकरबीन के अपने मतलब जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको भी डराइए, उनको भी हुक्म दीजिए। तो आपने जो है वो पहाड़ पर चढ़ के जो है वो ऐलान किया था, और उसके बाद मुख्तलिफ तरीके से आप जो है वो करते रहे, तबलीग ये सारी चीजें चलती रही। इसमें मतलब कोई ऐसा हाईलाइट करने वाला नहीं था। उसके बाद है कि आप जैसे बताते थे तबलीग कर रहे थे, इस्लाम को फैलाने की इतनी कोशिशें कर रहे थे, तो जो कुरैश के लोग थे उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की। तो क्योंकि आप अपने चाचा, आपके चाचा आपको बहुत सपोर्ट करते थे अबू तालिब, उनके आप बहुत बात मानते थे, तो कुरैश के जो बड़े बड़े 25 लोग अबू तालिब के पास गए उनको समझाने के लिए कि अपने भतीजे को समझाओ ऐसे ना करे, ये वो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, मतलब इस तरह से उन्होंने जाके बातें की। तो अबू तालिब जो मतलब उन्होंने आपको बुलाया, तो आपने ये उस वक्त आपने बोला था कि मेरे दाएं हाथ पे सूरज बाएं हाथ पे चांद भी लाकर रख दे तो फिर भी मैं अपने काम से बाज नहीं आऊंगा, ये वो वाला सारा वाक्य यहाँ पे लिखा। बस मेनली इसमें ये था कि 25 लोग गए थे, बाकी चीजें आपको पहले ही पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीजें हैं इसमें से। उसके बाद जो मेन चीज है वो है कि आपको जो है वो, हाँ जी, अमल हुजन के सोशल बायकॉट। उसके बाद क्या हुआ था, कुरैश ने बिल्कुल बायकॉट कर दिया था आपका, उनको मतलब 6 बेबी तालब जिसे कहते हैं घाटी में रहना पड़ा, पत्तों पे जिंदगी गुजारनी पड़ी, मुख्तलिफ चीजें थी। ठीक है, तो बायकॉट के एंड पे 6 बेबी तालब जब खत्म हुआ तो अबू तालिब और खदीजा दोनों का एक ही साल के अंदर इंतकाल हो गया। तो ये एक बहुत ही साल जो है वो गम का साल था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस वजह से इस साल को आमल हुजन यानी कि गम का साल कहा जाता है। उसके बाद जो है वो कुरैश के लिए तो बिल्कुल अब मतलब जो आपकी सपोर्ट थी मेन अबू तालिब और मतलब जो लोग आपको सपोर्ट करते थे वो हट गए, तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया अबू लहब ने, और आपको मारने की धमकियां देने लगा। तो ऐसी सूरत हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया कि वो हिजरत करेंगे, हिजरत करेंगे, और हिजरत के लिए उन्होंने ताइफ का जो है वो इलाका चूज किया जो मक्का से 60 किलोमीटर दूर था। ठीक है, उसके बाद आप जो ताइफ गए, ताइफ का जो सफर था वो आप हजरत जैद बिन हारसा को अपने साथ लेकर गए थे। वहां पे जो ताइफ का कबीला था, जो ट्राइब थे, वो 3 ब्रदर्स का हेड में मतलब, तो 3 भाई जो है वो उसके बड़े हेड थे। वो 3 भाई कौन कौन से हैं? अब्द जलैल, मसूद और हबीब। ठीक है, लेकिन जब आपने इनको हुक्म दिया तो इन लोगों ने ये मतलब एंग्री हो गए, इन लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया और आप पर जुल्म करना शुरू कर दिया। आप ये चीज़ आपने पढ़ा होगा कि आपको पत्थर मारे गए, लहूलुहान कर दिया गया, मुख्तलिफ चीज़ें, लड़कों को पीछे लगाया गया आपके। तो वहां से फिर आप वापस आते हुए एक बाग में जो है ठहरे, वो बाग किसका था? उतबा और शीबा, 2 भाइयों का एक बाग था जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए पनाह लेने के लिए रुके थे। वहां पे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए थे और आपने फरमाया था कि अगर आप कहें तो मैं 2 पहाड़ों के दरमियान इन ताइफ वैली को क्रश कर देता हूँ, लेकिन आपने उनके लिए दुआ की थी, बददुआ नहीं दी थी ताइफ वालों को। तो आप ताइफ में टोटल 10 दिन रहे थे और उसके बाद मक्का वापस आ गए थे। उसके बाद जो है यहाँ पे आता है वाकया मेराज। 54 साल की एज में 27 रजब अल मुरजब को रात को आप जब हजरत उम्मे हानी जो आपकी कजन थी उनके घर पे सो रहे थे, तो आपको जो है वो मेराज शरीफ हुई।
हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको लेने के लिए आए, ये वाकये कि आपने डेट्स वगैरह याद रखनी है, किसका घर था ये याद रखना है। उसके बाद जो है वो जब हज होता था तो हज में जो अरब के मुख्तलिफ अरब के लोग जो होते थे ना, सिर्फ मक्का तो नहीं, बहुत से अरब के लोग हर साल जो है वो हज के लिए मक्का आते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फिर जो है वो इस्लाम की दावत देते थे। तो जो यसरब, जो मदीना है, जो उस वक्त यसरब था, वहाँ से भी बहुत से लोग आते रहे और उन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। बहुत से यहूदी कबाइल भी थे और भी बहुत से लोग थे, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानना शुरू कर दिया, आपको पैगंबर माना और आपके बातों मतलब इस्लाम जो है वो कबूल करना शुरू कर दिया। तो पहली जो बैत हुई थी, जिसको बैते उकबे उला कहा जाता है, वो कहते हैं कि टोटल कितने थे कि मतलब यसरब के जो है वो 7 लोग थे, 6 जो है वो पहले के लोग थे, 7 न्यू लोग थे। तो ये इन सब लोगों ने जो है वो मिना के मैदान के अंदर जो है वो मिना के मैदान के अंदर एक बैत की थी, कसम खाई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस पर कि हम मतलब इस्लाम की बैत की थी, इस्लाम कबूल किया था। इसको बैते उकबा उला कहा जाता है। इसमें जो लोग शामिल थे यहाँ पे उनके नाम भी लिखे गए, बट आई डोंट थिंक सो कि मतलब ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, फिर भी एक बार रीड कर लीजिएगा। अब इसमें जो उन्होंने कसम खाई थी वो क्या क्या चीज़ थी कि एक तो ये कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को एक मानेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसके अलावा हम कभी चोरी नहीं करेंगे, मिलावट नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, उसके अलावा हम अपने बच्चों को नहीं मारेंगे और आपकी मतलब आपकी अतात करेंगे हर सिचुएशन के अंदर। ये उन्होंने 5 चीज़ों की बैत की थी, 5 चीज़ों की प्लेज ली थी। फिर इसी तरीके से मजीद इस्लाम फैलना शुरू हुआ, इस्लाम फैलता रहा, बहुत सारी चीज़ें, ये लोग जब वापस गए तो उन्होंने इस्लाम की आगे तबलीग करना शुरू कर दी। तो फिर जब दोबारा हज का टाइम आया तो 75 लोग जो हैं वो यसरब से आए थे, बैत उकबा सानी हुई उस वक्त। और इसमें जो है वो 2 औरतें थीं, उन औरतों के यहाँ पे नाम भी है, नसीबा बिनते काब बिन अमर अमारा और दूसरे हैं असमा बिनते अदी। ये 2 औरतें थी और 73 मर्द थे। इन्होंने जो है वो प्लेज ली थी, इन्होंने भी प्लेज ली, इसको बैत उकबा सानी कहा जाता है। इन्होंने भी जो प्लेज ली कि हम ये करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया कि खुशी की हालत में या गम की हालत में, खुशहाली में, गुर्बत में, हर हाल में तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे। ये सारी प्लेज यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। तो ये इन लोगों ने 75 लोगों ने प्लेज ली थी, 2 औरतें थी और 73 मर्द थे। उसके बाद फिर क्योंकि मदीना के लोगों ने बहुत ज्यादा इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया था, वहाँ इस्लाम फैलना शुरू हो गया था, जबकि मक्का के लोगों ने बहुत ज्यादा जुल्म करना शुरू कर दिए थे। तो आपके मजालिम से तंग आकर जब आप बहुत ज्यादा तंग आ गए और आपकी जान को भी खतरा हो गया, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आपको कि आप हिजरत कर जाए मदीना की तरफ। तो उस वक्त आपने हिजरत के वक्त हज़रत बकर सिद्दीक को साथ लिया और रास्ते में आपने 3 दिन गारे सोर में स्टे किया था। उसके अलावा मदीना पहुंचने से पहले आप उम्मे माबद के पास भी आपने स्टे किया और आपने उकबा जो कुबा सॉरी कुबा में आपने कुछ दिन क्याम किया, वहाँ पे पहली मस्जिद तामीर की, मस्जिद कुबा जिसे कहा जाता है, वहाँ पे हज़रत अली ने भी आपको ज्वाइन कर दिया था, जो पीछे अमानत वापस करने के लिए रुके हुए थे, वहाँ से फिर उन्होंने भी आपके साथ सफर किया था। तो यहाँ तक जो है वो 17 लेक्चर के अंदर हम सीरत में पहुंचे हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुकम्मल वाकयात को एक शॉर्टली यहाँ पे कन्वे किया गया है। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट मुझे MCQs के लिहाज से लगा वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, इंशाल्लाह इसी के अंदर से जो है वो आपका कवर हो जाएगा। लेकिन मैं अगेन कह रही हूँ कि ये सीरत से रिलेटेड जितने आप लोगों के चैप्टर हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से सबसे ज्यादा पेपर आएगा। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 18 और लेक्चर नंबर 18 जो है वो पार्ट 3 है सीरत ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। पिछले टॉपिक में हम पहुंच गए थे हिजरत मदीना तक, आपने मदीना शरीफ की तरफ हिजरत की। अब इस टॉपिक के अंदर हम मजीद आगे जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में देख रहे हैं। तो कहते हैं जो मदनी लाइफ थी नबी करीम सल्लम की वो 3 स्टेजेस के अंदर थी। 3 स्टेजेस में जो फर्स्ट फेज आता है उसमें जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस थी, जो टेम्पटेशन और डिस्टर्बेंस थी वो अपनी पीक पे थी, यानी कि इंटरनल भी रुकावटें थी आपको वहाँ पे, जो उधर वहाँ पे यहूदी मौजूद थे, यहूदी कबाइल थे, वो भी आपको तंग करते थे और बाहर से तो अटैक्स हो ही रहे थे, जिसमें आप गजवात सारे देख सकते हैं। ये सारे इस फर्स्ट फेज के अंदर आते हैं, जिसका इख्तिताम होता है इस फेज का जब सुलह हुदैबिया हुई 6 हिजरी में, तो तब थोड़ा सा अमन अमान हो गया। ये तो पहला फेज 6 हिजरी तक चलता है। फिर दूसरा फेज आता है जिसमें जो है वो लीडरशिप में जो है रिकंसिलेशन होती है, यहाँ तक कि मक्का फतह हो जाता है। मक्का फतह तक यानी 6 हिजरी से लेकर 8 हिजरी तक का ये टाइम है, जब आप मुख्तलिफ ममालिक में आने वाले मतलब जो आस पास ममालिक है, मिस्र में और जो है ईरान और इन सब में जो आप बादशाहों को इस्लाम लाने के लिए पैगाम भेजते रहे हैं, यानी अमन अमान अंदर तो था इसमें, क्योंकि यहाँ पे कोई जंग नहीं हुई है, तो ये अंदर का सारा टाइम था। तो उसके बाद 3rd स्टेज जो आता है वो डोमिनेंस ऑफ इस्लाम, इस्लाम के गलबे का टाइम था, यानी जब बिल्कुल, क्योंकि मक्का फतह होने के बाद का जितना भी टाइम है वो हर तरह से जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, धड़ाधड़ इस्लाम कबूल कर रहे थे, तो ये इस्लाम की पीक का टाइम है। ये 3 स्टेजेस बनते हैं मदनी लाइफ के। तो कहते हैं ऑन रीचिंग मदीना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले 3 स्टेप्स लिए थे, वो कौन कौन से थे? सबसे पहले है मस्जिद का क़याम, दूसरा है उन्होंने जो है वो मुसलमान जो थे उनके मदीने के उनमें जो है वो अखुआ तो भाईचारे का एक रिश्ता बनवाया था, मवाखाते मदीना जिसको उर्दू में कहा जाता है, वो है फर्टर्निटी। और उसके बाद है ट्रीटी ऑफ मदीना,
जो मीसाके मदीना, जिसको हमने नॉर्मली इस्लामियात में पढ़ा हुआ है, मीसाके मदीना एक मुआहदा हुआ था। तो ये तीन चीज़ें आपने मदीना शरीफ आते ही की थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क की जो बात अगर हम करें, तो ये जो है वो सुफा सुफा में जो है ये बनाई गई। तो यहाँ पे ये जो जमीन ली गई थी, ये दो बच्चे थे, यतीम बच्चे थे, सुहेल और साहल, ठीक है, साहिल और सुहेल, इनसे 10 दिनार की ये जमीन ली गई थी। उस वक्त जो इसका रकबा था 1050 स्क्वेयर मीटर था, लेकिन बाद में जो है वो इसको एक्सपेंड कर दिया गया 1425 स्क्वेयर मीटर में ये जो है वो मस्जिद बनाई गई थी। उसके बाद अगर दूसरी चीज बात करें मवाखाते मदीना की, जो आपने ब्रदरहुड जो अखुवत का भाईचारे का रिश्ता कायम किया था मदीना वालों के दरमियान, तो मवाखात में का जो लफ्ज है वो अखुन से निकला है। अख अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब भाई होता है, तो उससे ये मवाखात का लफ्ज निकला है यहाँ से। इसमें से और जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज कोई नहीं है। अंसार और अंसार मदीना, यानी जिन्होंने हिजरत की थी ना, उनकी इन्होंने मदद की थी और बहुत ज्यादा मदद की थी। ये सिर्फ मदद नहीं की थी, बहुत ज्यादा अपनी हर चीज सेक्रीफाइस कर दी थी उन लोगों के लिए। अपनी जायदादों में हिस्सा देना शुरू कर दिया था, हर चीज में हिस्सा देना शुरू कर दिया था, इतना कि मतलब इवन की विरासत में भी इनके लिए हिस्सा निकालना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर सूरह अहज़ाब नाजुल हुई, जिसमें उन्होंने विरासत के बकायदा जिसमें असूल बयान किए गए थे कि विरासत जो है वो ब्लड रिलेशंस के लिए है, तो उसके बाद फिर ये तरीका चेंज हुआ। अदरवाइज हर चीज का शेयर दिया जाता था अंसार मदीना को, अंसार मदीना जो थे वो महाजरों को देते थे। फिर जो है वो कहते हैं ये जो मवाखात की गई ये क्यों की गई, इस बारे में इमाम गजाली ने 3 पॉइंट दिए हैं। सबसे पहले तो ये था कि जो पहले के तासुबात थे इस्लाम से पहले की जो दुश्मनियां थी उनको खत्म करने के लिए, कि इस्लाम से पहले जो भी था लेकिन अब आप लोग मुसलमान हो, पिछली सारी चीजों को भूल जाना है। दूसरा ये कि रंग नस्ल का ये जो इम्तियाज था इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि जो महाजर आए थे वो और नस्ल के थे, जो इधर मदीने के लोग थे वो और थे, तो इस चीज को खत्म करने के लिए कि इस्लाम ये चीज कोई हैसियत नहीं रखती, इसलिए ये रिश्ता कायम किया गया मवाखात का। तीसरा है कि गैरत ऑनर का सिलसिला, यानी इस्लाम ने जितना महफूज किया है गैरत को, इज्जत को, इतना और किसी दीन ने नहीं किया, कोई भी दीन नहीं, ठीक है, तो ये चीज। और चौथा है कि इस्लाम जो है वो एहसास का दीन है, पिटी रहम दिली का दीन है, कि जब वो महाजर वहां से आए तो बेसरो सामान आए थे, अंसारे मदीना के पास तो सब कुछ था, तो ये जो रहम दिली का एहसास पैदा किया तो इससे ये चीजें पैदा हुई। तो ये चार चीजों की वजह से जो है ये मवाखात मदीना किया गया। तो यहाँ पे ये कुछ चीजें बताई गई हैं कि अंसार कितने किस हद तक उन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस किया था। ये कुछ मिसालें हैं, जैसे कि हजरत साद बिन रबी और हजरत अब्दुलरहमान जो है इनके दरमियान जो है वो मवाखात का रिश्ता कायम हुआ था। तो हजरत साद ने अपना घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ, हर चीज, रिश्तेदार, हर चीज के दो हिस्से कर दिए थे और उनको इनका एक हिस्सा जो है अब्दुलरहमान को दिया था, ठीक है। इवन के उन्होंने ये कहा था कि मेरी दो बीवियां हैं तो मैं एक वाइफ को भी तलाक दे देता हूँ, इज्जत के बाद आप उनसे शादी कर लीजिएगा, यहाँ तक। यानी ये बहुत बड़ी मिसाल है भाईचारे की। लेकिन जो है अब्दुलरहमान ने जो है वो हर चीज से इनकार कर दिया था और सिंपली पूछा था कि आप मुझे मार्केट का रास्ता बता दें, मैं तजारत शुरू करूंगा, अपना खुद कमाऊंगा, हम भाई भाई हैं लेकिन ये सब कुछ मैंने ले ही लेना, लेकिन उन्होंने ऑफर किया था ये सब कुछ। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है मवाखात मदीना की। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ की थी आपने, द कॉन्वेंट ऑफ मदीना, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, पहला आइन जो बनाया गया, एक मुआहदा किया गया मीसाके मदीना। तो उस वक्त जो है जब आप हिजरत करके आए थे तो मदीना में 3 किस्म के लोग थे। अब एक तो वो लोग थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे, उनके साथ ही दूसरे थे वहां के मदीना के बशंदे जिनमें औस और खजरज दो कबीले थे, और उसके अलावा यहूदी वहां रहते थे। तो 3 किस्म के ये लोग थे। अब तीनों के अपने अपने जो हैं वो कल्चर्स थे, तीनों की अपनी अपनी रवायात थी, अपने अपने रहन सहन के तरीके थे। अब ये तो नहीं हो सकता था कि वो फौरन से नबी करीम सल्लम को और उनके लोगों को और उनका कल्चर कबूल कर लेते, तो इन तीनों ये एक साथ रह सकें, तरीके से रह सकें। तो इस चीज के लिए क्या है कि ये मुआहदा किया गया था यहूदियों और ये जो वहां के बशंदे थे औस और खजरज और नबी करीम सल्लम के साथियों के दरमियान, कि ये एक स्टेट बन के रहे जहाँ पे मुख्तलिफ मजहबों के लोग रहे, लेकिन वो एक ऐसे कानून की पाबंदी करेंगे जिसमें वो नहीं कहेंगे कि हाँ जी वो इस्लाम के अंडर है, लेकिन सबका फायदा होगा और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, जिस तरह हमारे अब आइन होते हैं मुल्कों के आइन, वो एक फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था ये, ठीक है। ये तीन लोगों के दरमियान, और जो यहूदी कबाइल थे वो भी 3 थे, बनु कुनैका, बनु नजीर और बनु कुरैज़ा। ये 3 उस वक्त जो है वहां पे जो शामिल थे, जो उस एग्रीमेंट के अंदर शामिल हुए थे। फिर जो एग्रीमेंट हुआ, ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, इसमें से कोई एमसीक्यूज बन गया तो देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फिर गजवात की बात आती है, कि जो मैंने बताया कि पहला फेज जो बहुत डिफिकल्ट फेज था, तो उसमें सारे गजवात आ रहे हैं। तो सबसे पहली गजवा जो हुई वो थी गजवे बदर, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। ये गजवे बदर कहाँ पे हुई, ये जो है वो मैदान बदर के अंदर हुई थी। मैदान बदर कहाँ पे है, 80 मील दूर है, मक्का टू मदीना जो रोड है उससे 80 मील दूर है। उसके बाद है जो लोग थे मुसलमान वो 313 थे, जबकि जो है काफर थे वो 1000 लोग थे।
उसके बाद मजीद जो इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, बाकी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि बदर के मैदान में नबी करीम 16 रमज़ान को पहुंचे थे। हर चीज़ बाकी आपको मेनली पता होगी कि किस तरह ये गजवा हुई। जो मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को एमसीक्यूज बेस्ड चीज़ें जो है वो हाईलाइट करके बता रही हूँ, अदरवाइज ओवरऑल तो आप लोगों को ये चीज़ पता ही होगी। बाकी जो है यहाँ पे जो गजवा बदर में अल्लाह ताला ने मदद की थी मुसलमानों की, फरिश्तों के जरिए बाकायदा मदद की गई थी, इसका जिक्र कहाँ पे आया है कुरान में? सूरह अनफाल आयत नंबर 8 से लेके आयत नंबर 14 तक कम्प्लीटली इसी चीज़ का जिक्र हुआ है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे किसको किसने मारा, यहाँ पे वो कुछ चीज़ें आई हुई हैं कि फाइट किसकी किसके दरमियान हुई। इस पैराग्राफ को एक बार आपने रीड कर लेना है अच्छे से, क्योंकि कोई पता नहीं है, हो भी सकता है कि इससे कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो नेक्स्ट जो है वो, अगर इस गजवा के एंड पे 14 मुसलमान शहीद हुए थे, 70 काफर मारे गए और 70 जो है काफर कैदी बना लिए गए, ये इसमें से है इम्पोर्टेंट। फिर गजवा उहद की तरफ अगर आए, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें नहीं दी हुई, क्योंकि हम मेनली सीरत नबी पढ़ रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में हुआ क्या क्या, तो शॉर्टली बस हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं और उसमें से जो चीज़ें मुझे लग रही हैं कि एमसीक्यूज बेस आएंगी मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे अगर गजवा उहद की बात की जाए, क्योंकि बदर में जो है वो मुसलमानों को एक बहुत बड़ी फतह हुई थी, तो उस चीज़ का रिवेंज लेने के लिए जो कुरैश मक्का थे और यहूदी थे, उन्होंने मतलब कहा है कि मतलब हम मुसलमान ताकतवर होते जा रहे हैं, अगर अभी वो मतलब फैल गए तो फिर वो मक्का में भी आ जाएंगे। ये वो तो उन्होंने उस अपनी उस ह्यूमिलेशन का जो उनकी बेइज्जती हुई थी उसका बदला लेने के लिए किया था ये। ठीक है, तो ये जो बैटल ऑफ उहद है ये जो है वो 3 हिजरी शवाल 3 हिजरी में हुआ, 2 हिजरी में गजवे बदर हुआ था, 3 हिजरी में गजवे उहद हुआ है मुसलमानों के दरमियान और जो मक्का के जो लोग थे वहाँ के कुरैश मक्का उनके दरमियान ये हुआ था। अब यहाँ पे जो मुसलमानों की तादाद है वो टोटल मिला के थी 1000, 1000 में से 300 लोग जो है वो अब्दुल्ला बिन उबई के थे, जो बाद में गद्दार हो गए थे तो वो उनके साथ छोड़ के चले गए, पीछे समझ लो कि 700 बंदे इनके रह गए थे, जबकि काफर कितने थे वो 3000 लोग थे। इसमें जो अब हुआ क्या था कि मतलब उनकी बहुत बड़ी तादाद आ रही थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया था कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पर तीरंदाज बिठाए गए थे, 50 तीरंदाज जो है वो अब्दुल्ला बिन जुबैर की लीडरशिप में मौजूद थे कि वो मतलब इस तरफ से हमला करेंगे ऐसे, लेकिन उन लोगों ने मतलब नहीं मानी बात और इस तरह से कुछ हालात बल्कि मतलब वो बिखर गए और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था गजवाए उहद में। मेनली हम यहाँ पे अगर लिखी हुई बातों को देखें तो जो हजरत अली ने जो है हजरत अली ने माला तलहा बिन अबू तलहा को मारा था। उसके अलावा जो यहाँ पे मेनली चीज याद रखने वाली है वो ये है कि वो जो 50 कंपेनियंस जिनको उधर बिठाया गया था कि आप लोगों ने तीरों से मारना, उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी थी, बस उस वजह से सारा सिस्टम हो गया था। और एक और यहाँ पे सहाबी थे हजरत मुसअब बिन उमैर, वो शहीद हो गए थे इसमें, और उनका जो मतलब बहुत ज्यादा फेस जो है ना वो मिलता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और इस वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किल आई थी इनको। फिर उसके बाद जो है वो मुसलमान यहाँ पे बहुत ज्यादा शहीद हुए थे, सूरह आल इमरान में इस चीज़ का जिक्र आया। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गजवे उहद में जितना नुकसान हुआ इसका जिक्र किस सूरत में आया, तो सूरह आल इमरान में आया आयत नंबर 152 और 153 के अंदर। उसके अलावा इसमें भी मुसलमान 70 मुसलमान शहीद हुए थे, और उसके अलावा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे, बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे, और आपके जख्मों से बकायदा खून बहना शुरू हो गया था, हजरत फातिमा और हजरत अली ने आपके जख्मों को साफ किया था। ये जो है यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है गजवा अहजाब। अहजाब का जो लफ्ज है ये हिज्ब से निकला है, और हिज्ब का मतलब होता है ग्रुप ग्रुप ऑफ पार्टीज। ठीक है, अब इसको गजवा अहजाब इसलिए कहा जाता है कि ये सिर्फ एक मतलब लोग या एक कबीला नहीं था आपके खिलाफ जंग करने वाला, मुख्तलिफ कबीलों ने मिलके जो है वो इकट्ठा एक ग्रोह बनाया था और जंग की, इस वजह से इसको गजवा अजाब कहा जाता है। इसको गजवा खंदक भी कहा जाता है। गजवा खंदक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मुसलमानों ने अपने डिफेंस के लिए जो है वो एक खंदक खोदी थी, एक ट्रेंच बनाई थी, जिस वजह से इसको हम बैटल ऑफ ट्रेंच यानी कि गजवा खंदक भी कहते हैं। ये दो नाम है, इसके दोनों की वजह आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसमें जो मतलब टोटल जो लोग काफर थे वो 10,000 थे, 4,000 कुरैश के थे, 6,000 जो दूसरे अरब कबीले उनके साथ शामिल हुए थे, ये चीज है। उसके बाद जो यहाँ पे चीज़ है कि नबी करीम सल्लम को पहले ही एडवांस में, क्योंकि बता दिया गया था कि 3,000 का लश्कर जो है वो टोटल जो मतलब आपने 3,000 का लश्कर अपनी तरफ से बनाया था, लेकिन हजरत सलमान फारसी उन्होंने ये जो है मशवरा दिया था, तजवीज़ दी थी कि हमें खंदक बनानी चाहिए, हमारे पास ऐसा एरिया है कि हम इस तरह से डिफेंस करते हैं, वरना वो लोग बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। तो हजरत सलमान फारसी के कहने पे जो है वो उनके मशवरे पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने मिलकर खंदक खोदी थी, और इस खंदक की खुदाई के दौरान आपने जो है सीरिया इराक और ईरान की फतह की खुशखबरी भी सुनाई थी जब आप चट्टानों को तोड़ रहे थे। उसके बाद मेनली इसमें से और कुछ नहीं करने वाला। फिर हम बात करते हैं सुलह हुदैबिया की, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। अब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के गजवे अहजाब में आपको पता है कि लड़े बगैर जो है वो कोई मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा सके थे, बहुत बड़ी आंधी आई थी और उनके सारे खेमे वगैरह उखड़ गए थे, हर चीज़ चली गई थी,
तो मतलब ये जो है कि जंग हुए बगैर मुसलमान जीत गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि गज़वे अजाब के बाद मतलब जो है वो मुसलमानों ने इसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि वो उमरा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आप जो अपने साथियों के साथ 1500 साथियों के साथ उमरे के लिए गए वहां पे, तो लेकिन उन्होंने आपको वहां पे नहीं अंदर आने दिया। जब आप ज़ुलहलीफा के मकाम पे आप वहां पे थे तो आप लोगों ने वहां पे एहराम बांधा, लेकिन आप लोगों को वहां से अंदर नहीं जाने दे दिया जा रहा था, उमरा नहीं करने दिया जा रहा था। तो वहां पे जो ये एक सुलह हुई थी मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान, इसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। सुलह हुदैबिया में जो है जब मतलब बातचीत करने के लिए तो उस्मान को भेजा गया था, तो ये अफवाह फैल गई लोगों में कि उन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया। तो उस वक्त जो मुसलमानों का यानी कि बाकी जो पीछे नबी करीम सल्लम के साथ मुसलमान थे, उन्होंने ये वहाँ पे प्लेज ली थी, एक बैत की थी जिसको हम बैत रिजवान कहते हैं कि हम हज़रत उस्मान की मौत का बदला लेंगे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ था कि हज़रत उस्मान वापस आ गए थे, तो ये चीज़ खत्म हो गई थी कि हाँ जी कुछ नहीं है। लेकिन बैत रिजवान में जो मतलब ये बाकायदा एक किया गया था कि प्लेज ली गई कि अहमद उस्मान का बदला लेके जाएंगे और अब हम दाखिल होंगे। लेकिन उसके बाद फिर बकायदा उनके दरमियान सुलह हुई, और उस सुलह में ये जो कुछ शरायत यहाँ पे लिखी गई है आपने रीड कर लेनी है कि मुसलमान इस साल वापस चले जाएंगे, फिर उसके बाद वो अगले साल आएंगे 3 दिनों के लिए और वो उमरा कर सकेंगे, और बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे इस में शामिल है। ये आप लोगों ने पॉइंट्स पढ़ लेने हैं, कोई भी आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे स्टेट्स को, बहुत सारी रियासतों के बादशाहों को खत भेजे थे, तो उनमें जो बड़े बड़े बादशाह हैं उनके ये नाम है कि किस किस को खत भेजा गया था। ठीक है, इस्लाम की दावत दी गई थी, शाह रूम है हरकुलस, उसके बाद खुसरू परवेज है, ईरान का बादशाह मकूकस है, मिस्र का बादशाह, तो ये इनके नाम आपने याद रखने हैं। लेक्चर नंबर 19, ये भी सीरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंटिन्यूटी है, पार्ट 4, जिसमें हम गजवात हमने पिछले में कुछ पढ़े थे, जो गजवात रह गए थे वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहली चीज़ है गजवे खैबर। गजवे खैबर जो है, खैबर एक बहुत बड़ा सिटी था जो 100 मील दूर था मदीना से। इसमें बहुत बड़े बड़े किले थे, किले बने हुए थे, और किलों के हिसाब से ये डिवीजन हुई हुई थी। पॉपुलेशन भी जो है वो किलों में दो हिस्सों में रहती थी। एक जो हिस्सा था वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग 5 किले थे, इनके नाम आपने याद रखना है, किला नाम, किला साहब बिन माज, किला जुबैर, किला उबई और किला निजार। उसके बाद जो दूसरे पार्ट था उसमें छोटे छोटे किले थे। बहरहाल ये दो पार्ट में बटा हुआ था और बहुत बड़ा शहर था खैबर। अब यहाँ पे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब जब अपने सहाबियों को इकट्ठा किया और कहा कि हम मतलब खैबर को फतह करेंगे, तो उस वक्त उनमें जो सहाबी शामिल थे, वो बैत रिजवान में जो शामिल थे जिन्होंने बैत की थी, वो वाले 1500 सहाबा का नाम यहाँ भी शामिल थे। अब नबी करीम सल्लम ने कहा था कि आपने सीक्रेट रखना है अपनी जो है वो इस जंग को, कि हम जब जा रहे हैं। लेकिन एक मुनाफिकों का जो सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, उसने पहले ही एडवांस में खैबर के लोगों को इससे खबर दे दी थी कि आप मतलब यहाँ से हमला होने वाला है। इसके अंदर जो और मेनली बात याद रखने वाली है कि मरहब को जो है वो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कत्ल किया था। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे गज़वे मौता आती है। गज़वे मौता में जो है वो इसको ये क्यों लीक की गई, गज़वे मौता इस वजह से होती है कि एक कबीला था बनू गसान। बनू गसान कबीले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को हारिस बिन उमैर अजदी को भेजा था इस्लाम की दावत देने के लिए। ठीक है, आप एम्बेसडर बन के गए थे, लेकिन उन्होंने कत्ल कर दिया था इनको। तो किसी एम्बेसडर को कत्ल करना, किसी पैगाम रसान को कत्ल करना जंग के मुतरादिफ था, यानी कि आपने जंग का ऐलान कर दिया, ऐलान जंग था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बदला लेने के लिए, हारिस का बदला लेने के लिए गए थे। और इसमें जो है वो आपने कमांडर जो है सबसे पहले इस जंग में हजरत जैद बिन हारसा को बनाया था, फिर जाफर बिन अबी तालिब को, फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा को, और उसके बाद आपने कहा था कि आपस में मशवरा करके जो है वो देख लीजिएगा क्या करना है। अब इस जंग के अंदर मुसलमानों को 2 लाख रूमियों का सामना था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जब कमांडर शहीद होते गए तो आखिर में जो कमांडर खालिद बिन वलीद बने थे, और इन्होंने जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज किया और जिस जंग में जो है वो फतह हुई थी। फिर आता है फतेह मक्का। फतेह मक्का जो है वो क्यों हुआ था, फतेह मक्का का जो था सुलह हुदैबिया, क्योंकि कुरैश के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान हुआ हुआ था। अब जो उसमें एक ये था कि एक उसमें जो शरायत रखी गई थी, एक ये थी कि जो भी कबीला, अरब कबीला, दोनों में पार्टियों में से जिसके साथ भी मिलना चाहेगा मिल सकता है। तो अब उसी के हिसाब से जो बनू खजा थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल गए, उनका कबीला जो बनू बकर था वो कुरैश के साथ मिल गए। तो नौफिल बन मुआविया जो बनू बकर से था, उसने क्या किया कि एक रात जो है वो अंधेरे में बनू खजा के ऊपर उन्होंने उसने हमला कर दिया। अब बनू खजा बदला लेना चाहते थे, हरमे काबा के अंदर उन पे हुआ था, लेकिन उन्होंने मतलब ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अब इस अटैक की में जो है वो कुरैश भी उनके साथ शामिल थे, बनु बकर के साथ। बनु बकर के जिस बंदे ने अटैक किया था, कुरैश ने उनका साथ दिया था, और ये वायलेशन थी सुलह हुदैबिया की। तो इसके बारे में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, और किसने बताया, अमर बिन सालम खजाई ने बताया था। इन्होंने जाके ये मदीना गए और रिपोर्ट किया कि इस तरह उन्होंने हम पे जुल्म किया, अब हमारी मदद करें। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब उन्होंने जो सुलह हमारी हुई थी, जो मुआहदा हुआ हुआ था, वो तोड़ दिया, तो फिर आप जो है वो आपने तैयारी की। ओके, मतलब सीक्रेट प्रिपरेशन की गई कि हम मदीना की तरफ जाएंगे।
ठीक है। तो इसमें जो इसमें भी कोशिश की थी, एक बंदा था हातिब बिन अबी तला, इसने जो है वो बलता, हातिब बिन अबी बलता, इसने कोशिश की थी एक औरत के जरिए बताने की कुरैश के लोगों को, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लम को जो है वो बता दिया था, उस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 साथियों को लेके 10 रमजान को वहां से निकले। उसके बाद आपके जो सारी थी आर्मी, उन्होंने कहाँ पे स्टे किया, रास्ते में मरवजारान के जगह पे, वहां पे स्टे किया गया। उसके बाद आपने सब, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग थे, तो सबको एक बार जो मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया, वो किया था जीतवा के मकाम पे। जीतवा के मकाम पे आपने अपनी जो ग्रोह थे उनको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया कि मक्का शरीफ में चारों तरफ से हम लोग एंटर होंगे, इस तरह से हुआ था। जब आप एंटर हुए तो आपने यहाँ माफी का ऐलान कर दिया था, आप लोगों को ये चीज़ तो पहले से पता ही है, इसमें यहाँ पे और कुछ नहीं है। फिर गजवे हुनैन की बात आती है, तो गजवे हुनैन क्यों हुआ था? जब मक्का फतह हो गया तो जो आसपास के अरब कबीले थे, उन्होंने कहा कि मुसलमान तो अब बहुत बड़ा जो है वो ग्रोह बनते जा रहे हैं, और वो कबीले मुसलमानों को खत्म करना चाहते थे, जिनमें बड़े बड़े कबीले बनु हवाजन और बनु सकीफ थे, इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंग करने की मतलब जो है वो सोचा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 अपनी आर्मी जो है वो भेजी, जिनमें से 2,000 न्यू जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए थे वो भी, टोटल मिला के 12,000 लोग जो है वो बनु हवाजन और बनु सकीफ से लड़ने के लिए गए थे, और इसमें भी जो है वो मुसलमानों को जो है वो फतह ही हुई थी। उसके बाद आती है गजवे तबूक। गजवे तबूक भी जो है, क्योंकि फतेह मक्का के बाद मुसलमान जो है वो बहुत बड़ी पावर बनते जा रहे थे, मुसलमान रोज नए नए लोग मुसलमान होते जा रहे थे, तो जो रूमी थे वो मुसलमानों के इस तरह बढ़ोतरी को नहीं देख सकते थे। उन्होंने कहा कि मतलब जो है उनका, क्योंकि बहुत गजवे मौता में नुकसान ही बहुत हुआ था, क्योंकि गजवे मौता में सारे रूमी थे ना उनका सामना करने वाले, तो उन्होंने इस चीज का बदला लेने के लिए मुसलमानों से क्या किया कि बनु हसान कबीला जो एक था, मौजूद था यहाँ पे, उनको अपनी आर्मी दी और कहा कि आप लोग मुसलमानों को रोको, बॉर्डर से इस तरफ ना आने दो। तो बनु हसान कबीले के अपने लोग और 40,000 आर्मी जो रूमियों की तरफ से आई थी, ये जंग तैयार हुई गजवे तबूक वाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो इस जंग में, लेकिन एक मुसलमानों का ये था कि मुसलमानों के लिए जो बैटलफील्ड, जो मैदान का जंग था, वो बहुत दूर था, 683 किलोमीटर दूर था मदीना से, जहाँ पे ये जंग होनी थी। फिर गर्मियां बहुत ज्यादा थी, तो फ्रूट्स वगैरह या ज्यादा चीजें जो हैं वो नहीं साथ लेके जाई जा सकती थी, फसलें पक चुकी थी, बहुत नुकसान हो सकता था, और उसके बाद असले की भी कमी थी, जानवरों की भी कमी थी, ये चीजें थी। तो उस वक्त नबी करीम सल्लम ने अपने सहाबा को जब हुक्म दिया जंग का, तो सहाबा कराम ने बहुत दिल खोल के इसमें हिस्सा लिया। इसी जंग के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर का सारा सामान पेश कर दिया, उमर ने अपने घर का आधा सामान पेश किया, हजरत उस्मान ने 900 जो है वो ऊँट, 100 घोड़े और उसके अलावा बहुत सारे दिनार दिए थे, हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ ने जो है वो 29 किलो चांदी दी थी। ये और नबी करीम सल्लम ने कुल मिला के कितने जो है 30,000 लोग भेजे थे जंग के लिए। लेकिन जब ये लोग मैदान जंग में पहुंचे, मतलब सिर्फ ये एक इम्तिहान था मुसलमानों का कि ये जाते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर ये जंग होती तो बहुत नुकसान भी होना था, लेकिन अल्लाह ताला ने काफरों के दिल में पहले ही खौफ भर दिया, और जितने आए हुए थे रूमी वो वापस चले गए डर के। जब वो वापस चले गए तो पीछे जो बचे हुए रह गए थे उन्होंने मतलब मुसलमानों के साथ सेटलमेंट कर ली, जिजिया के तौर पर कि हम आपको जिजिया देंगे और आप हमारे साथ जंग ना करें। जंग किए बगैर ही मुसलमान वहाँ से फातह होकर लौटे थे। फिर बचता है आखिरी फतह, जो खुतबा हुज्जतुलविदा वीर फै जो है वो यहाँ पे आखिरी खुतबा, फेयरवेल सरमन, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जब हज किया था, फर्स्ट हज किया था 10 हिजरी में, तो उस वक्त आपके साथ 12,40,000 लोग शामिल थे, सब ने मिलकर हज किया था। 9 हिजरी ने 9 जिलहज को आपने जो है ये आखिरी खुतबा दिया था, और ये आखिरी खुतबे के बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा कि कहीं से कोई क्वेश्चन बन जाए तो। बाकी जो जो उसी दिन 9 जिलहज को आखिरी आयत नाजिल हुई थी, सूरह मायदा की आयत नंबर 3, अलयौम अकमलतु लकुम दीनुकुम वअतममतु अलैकुम नियमती वरदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, और उस दिन जो है यानी कि आपका दिन आपके लिए मुकम्मल कर लिया गया है, ये आखिरी आयत नाजिल हुई थी और कुरान पाक यहाँ पे जो है दीन की कम्पलीशन का ऐलान हो गया था। और जो है यहाँ से मजीद है कि नबी करीम सल्लम की जिंदगी से जो अभी तक हमने यहाँ पे शॉर्टली पढ़ा है कि कोई लेसन या आउटकम्स जो निकलती हैं, तो जो लेसन हैं यानी दुरूस जो है, दुरूस का लफ्ज़ जो है ये प्लूरल है, ठीक है, सिंगल इसका दर्स होता है यानी जिसका मतलब होता है लेसन, सबक। उसके बाद जो है वो जबकि इबर जो है, इबर लफ्ज ये जमा है और इसका वाहिद है इबरत, जिसका मतलब होता है एडवाइस यानी नसीहत, यहाँ से ये बस याद रखने वाला है। बाकी यहाँ पे मुख्तलिफ वाकयात के हिसाब से मुख्तलिफ हमें क्या सबक मिलते हैं वो तो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से कोई एमसीक्यूज मेरे हिसाब से नहीं बन रहा था कि कोई इस तरह की चीज़ हो जो एमसीक्यूज में आ सके। वाइल रीड करना हुआ तो जरूर रीड कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर 20 में यहाँ से हिस्ट्री ऑफ इस्लाम शुरू होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद, अब खिलाफत राशिदा की बात आती है। ऐसी बात है आपकी जिंदगी के बारे में, जितने शॉर्टली हमने सारा एक बार देख लिया कि आपकी जिंदगी में क्या क्या वाकयात हुए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद फिर खुलफाए राशिदीन का दौर शुरू होता है। तो खिलाफत क्या होती है? खिलाफा एक अरबी का वर्ड है जिसका मतलब होता है कैलिफेट या वाइस गारंट, ठीक है। उसके बाद जो राशिदा का लफ्ज़ है ये निकला है रुश्द से, जिसका मतलब है गाइडेंस, रहनुमाई, और राशिदा का मतलब होता है गाइडेड, रहनुमाई किया गया। अब खिलाफ राशिदा जो है वो
30 साल की खिलाफत है, जो चार खुलाफात है, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 11 हिजरी से 40 हिजरी का दौर जो है वो खिलाफत राशिदा का दौर या खुलफाए राशिदीन का दौर कहलाता है। ठीक है, अब इसके बारे में जो खुलफाए राशिदीन थे उनकी मेन मेन फीचर्स एक बार रीड कर लीजिएगा कि वो सब में कॉमन क्वालिटीज यानी जो थी, कुरान सुन्नत की ओबीडियंस करते थे, उसके बाद कंसल्टेशन यानी मशवरे से हर काम करना, हर फैसला लेना, उसके बाद जो है वो अकाउंटेबिलिटी, जो जितने भी ऑफिसर्स वहाँ पे थे, गवर्नर वगैरह मुकर्रर हुए थे तो वो अकाउंटेबल थे, सारे आंसर करते थे, आपको आके जवाब देते थे। उसके बाद जो है बाकायदा वेलफेयर स्टेट थी, जस्टिस इंसाफ करना और लोगों की जो है हकूक की प्रोटेक्शन करना, ये कॉमन थी खुलफाए राशिदीन के अंदर क्वालिटीज जो थी। अब यहाँ से जो है वो वन बाय वन जो है एक एक खलीफा के लिए के बारे में शॉर्टली थोड़ा सा जो है वो हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे आएगा। सबसे पहले खलीफा जो थे हजरत बकर सिद्दीक थे, उनका नाम अब्दुल्ला था, सरनेम यानी कि कुनियत जो थी वो अबू बकर थी, और लकब जो था एक तो सिद्दीक था, दूसरा अतीक था। सिद्दीक क्यों था? क्योंकि उन्होंने जब नबी करीम सल्लम ने मेराज असेंशन से वापस आए थे तो उन्होंने फौरन से इसकी तस्दीक की थी कि अगर आपने फरमाया है तो आप सच बोल रहे होंगे। उस वक्त आपको लकब दिया गया सिद्दीक का। फिर अतीक, अतीक आपको क्यों कहा जाता था? क्योंकि नबी करीम सल्लम ने आपके बारे में बताया था कि आप पर अल्लाह ताला ने जो जहन्नुम की आग है वो हराम कर दिया, इस वजह से आपको अतीक भी कहा जाता था। ये दो आपके जो है वो लकब है। उसके बाद आप जो कबीला बनू तय्यम से ताल्लुक रखते थे, जो आमल फील था उससे 2 साल और कुछ महीने पहले आप पैदा हुए, और 13 हिजरी में जो जमादुल आखिर में 13 हिजरी में एक रात आप फोत हुए बुखार की वजह से। उसके अलावा जो आप जब फोत हुए तो आपकी उम्र 63 साल थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ आपको दफन किया गया। ये कुछ बेसिक नॉलेज है आपके बारे में, ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज में यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा इस्लाम के बाद आपने मुख्तलिफ साहब जो है यहाँ पे लोगों के नाम है जिनको आपने गुलामों को आज़ाद किया था। उसके अलावा इनके मेन मेन काम अगर कहें तो मदीना की तरफ हिजरत का सारा इंतजाम इन्होंने किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद बनवाई, उसमें भी पे किया था, जो जमीन खरीदी थी पे किया, उसमें सारी जंगों में आपके साथ हिस्सा लिया, और फिर खास तौर पे गजवे तबूक के अंदर जो 9 हिजरी में हुई अपने घर का सारा सामान आपने पेश किया था। उसके अलावा जो पहला बकायदा हज किया गया तो उसमें आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर हज यानी कि इंचार्ज जो है वो हज का मुकर्रर किया था। ये कोई मेन मेन क्वालिटीज थी आपकी, और आपके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अबू बकर वो इंसान है कि जिसे जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे इन इनकी खिलाफत की अगर बात की जाए कि जो खिलाफत जो यहाँ से शुरू हुई है, तो नबी करीम सल्लम की डेथ के बाद जरूरी था कि कोई ऐसा होता जो सारे साबी लोगों को इकट्ठा करके रखे, उम्मत को इकट्ठा करके रखे, तो वहां पे जो सारे लोग थे बड़े बड़े उस वक्त उम्मत के जो मदीना के लोग थे वो एक जगह पे इकट्ठा हुए। इस जगह का नाम है सकीफा बनी सईदा, ठीक है, मदीना में ये जगह है, और उन्होंने चूज किया था अबू बकर सिद्दीक को, जो वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे उन्होंने, मतलब उसमें उन्होंने ये देखा था कि नबी करीम सल्लम इमामत के लिए अगर खुद नहीं करवाते थे तो इनको आगे करते थे, या फिर अमीर हज जिस तरह मुकर्रर किया था, या नबी करीम सल्लम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी इनको दिया, तो ये कुछ चीजों की वजह से इनको जो है वो सबसे पहला खलीफा माना गया। उसके बाद जो है वो शूरा का जो सिस्टम है इनके दौर में ये मुकर्रर हुआ था, और यहाँ पे जो है कुछ क्वालिटीज वगैरह लिखी गई है, एक बार रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मुझे एमसीक्यूज के लिहाज से नहीं लगा। लेक्चर नंबर 21 में हम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में ही खुलफाई राशिदीन को क्योंकि पढ़ रहे हैं तो दूसरे खलीफा जो है वो उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरे खलीफा है हजरत उमर फारूक, तो हजरत उमर फारूक का जो नाम था वो उम्र था, और उनकी कुनियत जो थी वो अबू हफ्स थी, लकब उनका फारूक था, और वो बनू अदी कबीले से ताल्लुक रखते थे। आमुल फील से 13 साल बाद पैदा हुए, और एक गुलाम था अबू लोलो फिरोज, उन्होंने उसने जो है वो फजर की नमाज के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा जो है वो खंजर मार के जख्मी कर दिया था, और उस जो हमले के 3 दिन बाद आपकी जो है वो शहादत हो गई थी, यकम मुहर्रम 24 हिजरी के अंदर। ये बेसिक नॉलेज है इनके बारे में, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो नबी इन्होंने हजरत उमर फारूक ने जो मेन मेन काम किए अपने टाइम के अंदर, उनकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले इन्होंने हजरत अली के मशवरे पे हिजरी साल, ये जो हम हिजरी वाला साल पढ़ते हैं, ये इन्होंने शुरू किया था। उसके अलावा इन्होंने अदलिया को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग किया, बैतुल माल का क्याम किया, उसके अलावा जो है वो इस्टेब्लिश किए डिपार्टमेंट्स और सैलरीज वगैरह जो मतलब फौजियों की थी उनके वो मुकर्रर की, फाइटर्स की। उसके अलावा मुख्तलिफ सिटी इस्टेब्लिश किए जैसे कि कूफा, बसरा, ये वो वाले सिटीज थे जो इन्होंने इस्टेब्लिश किए। फिर उसके बाद जो है वो इन्होंने और इरीगेशन का सिस्टम यानी कि नहरें वगैरह का काम बहुत ज़्यादा करवाया। पहली बार इमाम और मौजन की सैलरी इन्होंने फिक्स की। उसके अलावा जो इस कुरान हदीस फिक की तालीम देते थे वहाँ वो स्कूल बनाए, और उसके अलावा वहाँ पे पढ़ाने वालों की भी सैलरीज मुकर्रर की। ये मेन मेन काम है, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि ये काम पहली बार किसने किया था, इनमें से भी आ सकता है आपके पास क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो इनके दौरे खिलाफत में मजीद काम किए गए वो ये कुछ यहाँ पे इलाकों के नाम लिखे हुए हैं, ये फतेह हुए,
उसके अलावा डिपार्टमेंट बने पहली बार पुलिस का, जेल का, जुडिशरी का, फाइनेंस के डिपार्टमेंट बनाए गए थे। लैंड को मेजर करने का जो काम है वो इनके दौर में शुरू हुआ। पोस्टल सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया। मस्जिद नबवी और हरम काबा की तोसी की गई, उनको थोड़ा सा और वसी किया गया। और मकाम इब्राहिम जो पहले बिल्कुल मक्का के साथ, काबा शरीफ के साथ जुड़ा हुआ था, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे किया गया ताकि जो लोग तवाफ कर रहे होते हैं उनको आसानी हो सके। तो ये मेन काम और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है हजरत उमर फारूक के बारे में, तो जितनी मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है वो मैंने कर दिया। बाकी अगर आपको कम्प्लीटली भी रीड करना हो अपनी जनरल नॉलेज के लिए तो कर लीजिएगा, पेपर के लिहाज से जो आपके एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे कर दिया हुआ। लेक्चर नंबर 22 के अंदर भी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पार्ट नंबर 3 में हम खुलफाए राशिदीन में से तीसरे खलीफा के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे और चौथे खलीफा के बारे में इस लेक्चर में बात कंप्लीट हो जाएगी। तीसरे खलीफा हैं जी उस्मान गनी, जिनका नाम उस्मान था, इनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला थी और इनका जो लकब था वो जुन्नोरैन था। जुन्नोरैन इनको इस वजह से कहा जाता था क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियों की शादी इनके साथ की थी और उन्होंने अपने अल्लाह ताला की गनी, और इनको इस वजह से कहा जाता था, गनी भी इनका लकब था क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसा जो है अल्लाह ताला की राह में खर्च कर किया करते थे। उसके बाद जो इनका कबीला था वो बनू उमैया था, तो ये जो है आमुल फील से 6 साल बाद पैदा हुए। उसके बाद ये जो शहीद हुए वो 18 ज़िलहज 35 हिजरी को शहीद हुए। फिर उसके बाद जो इनके बारे में मेनली बात याद रखने वाली है, जो इनके दौर में इलाके जो हैं वो फतह हुए, ये आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके अलावा 26 हिजरी को उस्मान ने मस्जिद हराम तामीर करवाई, 29 हिजरी में जो है वो मस्जिद नबवी की तोसी करवाई, उसको मजीद वसी किया, और 26 हिजरी में ही जो है वो जद्दा का जो है वो न्यू पोर्ट बना, और जो है वो शिबा के अंदर ओल्ड पोर्ट था। उसके बाद जो है वो मजीद जो है मौजदीन की सैलरियां भी, इनके जो मौजन थे उनका मौजदीन की सैलियां जो सैलरियां फिक्स की गई। उसके बाद जो ज़कात का निज़ाम था वो, और पुलिस का निज़ाम जो पहले बन चुका था, पुलिस चीफ पहली बार इनके दौर में जो है वो अपॉइंट हुआ। उसके बाद जो जाती जायदाद रखने के बारे में कवानीन थे वो इनके दौर में सेट हुए। और उसके बाद पहली बार इस्लामी फौज बाकायदा तौर पे जो फौज है वो तैयार हुई, डेवलप की गई इनके दौर में, और उसी फौज ने जो है वो कब्रिस को फतह किया था। ये इनके टाइम का कुछ मेन मेन है। उसके बाद है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, इनका नाम अली है और असद भी इनको कहा जाता था, ठीक है, इनकी माँ ने इनको असद का नाम भी दिया था इनके जो है पैदाइश पे। उसके बाद इनका जो कुनियत है जो है वो अबू तुराब और अबुल हसन है, और उसके बाद जो इनका लकब है वो अमीरुल मोमिनीन, हैदरे करार, मुर्तजा, ये सारे इनके लकब हैं। बनु हाशिम कबीले से इनका ताल्लुक है। ये नबी करीम सल्लम की नबूवत का जब उन्होंने ऐलान किया था उससे 10 साल बाद पहले पैदा हुए, और 40 हिजरी में रमज़ान के महीने में ये शहीद हुए। उसके अलावा इनके बारे में जो याद रखने वाली चीज़ है, जो हजरत अलवदा जो हुआ था, जो आखिरी हज, जो पहला हज बकायदा तौर पे पढ़ा गया था जिसमें खुतबा हजरत अलवदा दिया गया था, उसमें नबी करीम सल्लम ने टोटल 100 ऊँट ज़बह किए थे, 100 ऊँट की कुर्बानी की थी। तो उनमें से 63 ऊँट जो हैं वो ज़बह किए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, और बाकी जो हैं वो उनमें से हजरत अली को फरमाया था कि आप इनको ज़बह कर दें। उसके बाद इनके बारे में जो ये वो इंसान है कि जिन्होंने दुनिया में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अपने लिए जन्नत की खुशखबरी सुनी थी, और इनको जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद होने का शर्फ भी हासिल है। और मजीद इनके टाइम पे क्या हुआ, इनके टाइम पे चौथे खलीफा का इन्होंने कब जो है प्लेज ली, कब इन्होंने जो है वो खिलाफत, 19 जुलहज 35 हिजरी में। इनकी खिलाफत का टोटल टाइम कितना है, 4 साल 8 महीने 9 दिन, 665 से शुरू होता है 661 तक, ठीक है। और ये आखिरी खुलफाए राशिदीन में से आखिरी खलीफा हैं। इन्होंने जंगे जमल में हिस्सा लिया 36 हिजरी में, जंगे सुफैन में हिस्सा लिया 37 हिजरी में, और जंगे नहरवान में हिस्सा लिया इन्होंने 38 हिजरी में। और इन्होंने अपने दौर में सबसे पहले जो खलीफा खिलाफत का मरकज था वो मदीना था। इनके दौर में कुछ इंटरनल इशूज़ की वजह से खिलाफत का जो सेंटर था जिसको हम दारुल खिलाफा कहा जाता है वो मदीना से कूफा सेंटर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया इनके टाइम में। ये इनके टाइम के कुछ मेन मेन एट्रीब्यूट्स थे जो याद रखने वाले थे, जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 23, इस्लामिक कल्चर और सिविलाइजेशन की बात हो रही है। यहाँ तक अगर मैं आपको बता दूँ कि 22 तक आपके जो लेक्चर्स थे ना, इनमें से सबसे ज़्यादा यानी शुरू से लेकर 16 से लेके जो शुरू हुआ, तो पहले बात तफ़सीरत नबी और फिर खलफा राशिदीन के बारे में, तो इनमें से ज़्यादातर आपके एमसीक्यूज़ बनेंगे। यहाँ से आगे जो कुछ लेक्चर्स आएंगे ना लास्ट वाले लेक्चर्स छोड़ के, उनमें से कम ही आएगा आपका, लेकिन जो मैंने हाईलाइट किया वो एक बार कर लीजिएगा। अब ये इस्लामिक सिविलाइजेशन की बात हो रही है, तो सबसे पहले सिविलाइजेशन यानी तहजीब का जो लफ्ज़ है ये निकला कहाँ से, अरबी का एक वर्ड है हजबुन, उससे निकला, जिसका मतलब क्या है, ब्रांचिंग, प्रोनिंग, करेक्टिंग, प्योरीफाइंग, रिवाइजिंग, ये आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें से याद रखने वाली चीज़ है, इस्लामिक सिविलाइजेशन का आगाज कब हुआ, आज से 1400 साल पहले, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए अपने साथ इस्लामिक तहजीब लेकर आए। इस्लामी तहजीब के कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो इनफरादियत है, सबसे पहला है बिलीफ इन मोनोथिसिज्म,
यानी कि अकीदे तोहीद, अल्लाह ताला के एक होने पर ईमान रखना। तो ये जो पहला एलिमेंट इस्लामिक सिविलाइजेशन और कल्चर का यानी मेन पॉइंट है, मोनोथिसिज्म है, तोहीद का अकीदा है, और जो तोहीद के अकीदे के बारे में मिसकंसेप्शन हैं लोगों के, उसको ठीक किया है सूरह इखलास ने। ये कहफ लिखा हुआ ये गलत है, सूरह इखलास, ठीक है। सूरह इखलास के अंदर जितने भी मिसकंसेप्शन हैं तोहीद के बारे में उनको सही से ख़त्म करके बिल्कुल बताया गया। उसके अलावा सारे यहाँ पे बताई गई हैं कि जिस तरह तोहीद पर ईमान, फिर पैगम्बरों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, इक्वलिटी, ये सारी डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जो इस्लाम के अंदर हैं, ये सारे हैं। लेकिन इनमें से मुझे कोई भी एमसीक्यूज ऐसा नहीं लगा जो आ सकता है। आयात, क्योंकि पिछले बार अभी मिड के अंदर कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि आई हुई थी, तो वो रीड कर लीजिएगा अगर करनी हुई तो। बाकी इसमें से अदरवाइज मुझे कोई एमसीक्यूज नहीं मिला जो आ सकता हो। मजीद जो इसके बारे में यहाँ पे चीज़ है, एक ये कि जब इस्लाम बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गया अपना, इस्लाम और इस्लाम का कल्चर बहुत ज़्यादा, तो जो बाकी जो बड़े बड़े मतलब थे दीन, जैसे कि मज़हब मौजूद है हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी, तो इन्होंने इस्लाम को जो है वो ख़त्म करने के लिए या अपने दीन को बचाने के लिए कुछ मूवमेंट्स भी शुरू की थी, जिनमें क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट मूवमेंट और जो हिंदुओं ने की थी वो भक्ति मूवमेंट इन इंडिया। जी आपने दो नाम याद कर लेने हैं इसमें से, यही इंपॉर्टेंट था। बाकी इतना खास मतलब, क्योंकि हमें हमने एमसीक्यूज बेस तैयारी करनी है, तो इसमें से और मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है। बाकी रीड करने वाली चीज़ें हैं कि इस्लाम में क्या इनफरादियत पाई जाती है जो बाकी दिनों में नहीं है, इस तरह से रीड आउट करने वाली चीज़ें ज़रूर है ये, लेकिन कि एमसीक्यूज बन सके ऐसा मुझे इसमें से और कुछ नहीं मिला। लेक्चर नंबर 24 में इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन पे ही बात हो रही है, और इसमें इस्लामिक सोसाइटी की बात होगी कि माशरे में जो चलती हैं चीज़ें वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले माशरा, सोसाइटी क्या है, ये अरबिक वर्ड जो लफ्ज़ है अशर, उससे निकला है, जिसके लिटरल मीनिंग जो होते हैं वो 10, 10वां होते हैं। फिर उसके बाद अरबिक डिक्शनरी है एक अलमंजद, उसके अंदर भी माशरा का मतलब 10वां या 10 या फिर मिल के रहना, लिविंग टुगेदर आता है। उसके बाद फिर एक उर्दू डिक्शनरी है फिरोजुल लुगत, फिरोजुल लुगत में जो माशरा की जो लफ्जी मीनिंग बताए गए हैं वो ग्रुप लाइफ, इज्तमाही जिंदगी है, जिसका मतलब क्या होता है कि मिलजुल के रहना, किसी के साथ मिल के रहना। उसके बाद फिर जो है अल्ट्रुइज्म, यहाँ पे एक लफ्ज आता है, अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है एहसान, यानी कि किसी को उसके हक से ज्यादा देना। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये वो चैप्टर्स हैं जो वैसे रीड आउट करने वाले हैं, रीड आउट कर सकते हैं इनमें से, लेकिन मुझे एमसीक्यूज बेस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला कि कोई पॉइंट आता हो ऐसा जो हिट कर सके। बाकी जो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था तो वो मैंने यहाँ पे, सलाम, सलाम क्या होता है कि जब भी इस्लाम के अंदर ये चीज़ है कि जब भी दो लोग मिलते हैं, जब जब भी, तो वो ग्रीट करते हैं एक दूसरे से, मिलते हैं तो वो जो मतलब अस्सलाम वालेकुम जब हम एक दूसरे को कहते हैं तो उसको सलाम कहा जाता है। उसके अलावा जो इसमें एक चीज़ है फैमिली का मतलब क्या होता है, फैमिली का जो लिटरल मीनिंग है लार्ज या फिर अगेंस्ट फैमिली, बड़ी चीज़ है। फिर निकाह, निकाह का लिटरल मीनिंग होता है कमिटमेंट या कनेक्शन। टर्मिनोलॉजिकली जो जब अनमैरिड एक मर्द और औरत एक रिलेशनशिप में आते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, उसे निकाह कहा जाता है, ये डेफिनेशन है यहाँ पे। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आ रही है वो डॉवरी, मतलब जहेज। उसके बाद डाइवोर्स, डाइवोर्स क्या होती है, इसका लिटरल मीनिंग है टू बी फ्री फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, यानी कैद से आज़ाद होना या टू सेपरेट, अलग हो जाना। टर्मिनोलॉजिकली आपको पता है कि हस्बैंड वाइफ जब इस रिलेशन से आज़ाद होते हैं तो उसको डाइवोर्स कहा जाता है। उसके बाद जो डिवोर्स है वो रिवोकेबल, यानी वापस जो हो सकता है, यानी रिलेशन बन सकता है, वो दो तलाकों तक है, इसके बाद कोई रिवर्जन नहीं होती है तलाक मरताने। और जिसका हुक्म कहाँ है, सूरह बकरा की आयत नंबर 229 में, ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद डिसलोकेशन यानी कि खुला, लिटरल मीनिंग खुला का क्या है, टेक ऑफ करना, पीछे हट जाना, आजाद होना। जब एक औरत मैरिज के रिलेशनशिप को एंड करती है तो इसको खुला कहा जाता है, और खुला का हुक्म भी दो आयत नंबर 229 के अंदर ही है, ये आयत मुबारक भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 25, इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन ही चल रहा है हमारे पास, और इसमें जो है वो हकूक और फराइज की बात है। राइट्स, द लिटरल मीनिंग ऑफ राइट इज गुड, ठीक है, गुड, प्रॉपर, लेजिटिमेट, ठीक है, ये सारे इसके लिटरल मीनिंग्स हैं। और उसके बाद जो है वो फ्राइज, ड्यूटीज, यानी कि ड्यूटीज जो है वो प्लूरल है ड्यूटी का, इसका मतलब क्या है, टू मेक सम जॉब ऑब्लिगेटरी, किसी चीज को लाजिम कर देना, टू अपॉइंट दैट इज, मतलब किसी काम पे जो है वो अपॉइंट कर देना। ड्यूटीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट अ पर्सन ओज टू अनदर पर्सन, जो एक काम यानी एक फर्ज दूसरे पर्सन को दिया जाता है काम करने के लिए कहा जाता है। फिर यहाँ पे कुछ फ्राइज बताए गए हैं, सबसे पहले जो है वालदैन के फ्राइज हैं। इसमें आप ये आयात वगैरह जरूर रीड कर लीजिएगा, इनमें से किसी का तर्जुमा वगैरह के रिलेटेड कोई आ सकता है, लेकिन वैसे इसमें से जो है वो एमसीक्यूज बेस कुछ भी नहीं था। फिर बच्चों के हकूक हैं, इसी तरीके से राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है, यहाँ पे भी मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिसमें से मतलब कि आ सकता हो। फिर उसके बाद हैं उस्ताद, असातिज़ा के हकूक हैं,
फिर जो है वो रिश्तेदारों के, लेकिन इनमें से मतलब ऐसा कुछ नहीं मुझे लगा हमसायों के हकूक, हमसायों के हकूक में से यहाँ से एक चीज, टाइप्स ऑफ नेबर्स, तीन किस्म के नेबर होते हैं। एक होते हैं रिलेटिव नेबर कि आपके हमसाई भी हैं और साथ साथ आपके रिश्तेदार भी हैं, इनके सबसे ज्यादा हकूक होते हैं। फिर होते हैं स्ट्रेंज नेबर कि आपके साथ रहते हैं लेकिन वो आपके रिश्तेदार नहीं होते। तीसरे होते हैं साइड पार्टनर्स या कोहबिटेंट, जिनके साथ आप हर वक्त रहते हो, रहने वक्त साथ नहीं रहते, मतलब घर साथ नहीं है, लेकिन जिस तरह स्कूल के साथ ही हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फैक्ट्री में, ऑफिस में, जहाँ पे आप काम करते हैं, या किसी इंस्टीट्यूशन में रहते हैं और वहाँ पे वो हर वक्त आपके साथ है। अब बेशक वो सोते सब वगैरह आपके साथ नहीं है, घर उनका आपके साथ नहीं है, लेकिन है तो आना जाना हर वक्त आप लोगों के साथ ही है, तो वो भी एक किस्म के हमसाई ही होते हैं। तो ये तीन किस्म के हमारे पास जो है वो नेबर्स हैं। बाकी इसमें से और मुझे इस चैप्टर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि जो एमसीक्यूज बेस हो सके। बाकी अगर रीड आउट करना हो तो देख लीजिएगा आयते मुबारक एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 26, इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन ही चल रहा है, और पिछले लेक्चर में भी हमने हकूक फराइज की बात की है, तो इसमें भी हकूक और फराइज की बात ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे हकूक है यतीमों के, बेवाओं के, गरीबों के हकूक की बात हो रही है। तो यहाँ पे जिस तरह पिछले में से मुझे कुछ ना कुछ मिल गया था तो मैंने हाईलाइट किया हुआ था, यहाँ पे मुझे वैसा तो कुछ नहीं मिला कि जैसे मैं हाईलाइट करती, लेकिन आयात इसमें काफी ज्यादा है। तो जिस तरह पीछे भी आप लोगों के पास मिड में भी आयात आती रही है, तो आयात एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। बाकी इसमें से ऐसा कुछ नहीं था कि कोई पॉइंट वगैरह होता जिसको मैं रीड करती या आपके सामने एक्सप्लेन करती, वैसा मुझे इसमें से कुछ नहीं मिला, क्योंकि इसमें जो सिर्फ आयात वगैरह का हवाला दे के बेवाओं की, गरीबों की और यतीमों वगैरह के हकूक की बात की गई है कि उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, वही सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसा मुझे हिट करने वाला पॉइंट यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला कि जो मैं बोलती कि हाँ जी, आपने खास तौर पर याद करना। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 27, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, कि इस्लाम में जो मईशत का सिस्टम है वो किस तरीके से है, इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि ये आपका फाइनल टर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में से एक लेक्चर है, जिसमें से आपके काफी ज्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब जो यहाँ पे वर्ड इकोनॉमिक्स है, जो वर्ड इकोनॉमिक्स है ये अरेबिक के एक वर्ड माश से निकला है, और जो माश वर्ड है वो अरेबिक के एक वर्ड आइश से निकला है। आइश का मतलब होता है टू लिव, जिंदा रहना, जिंदगी गुजारना, ठीक है। यहाँ से जो है ये इकोनॉमिक्स का वर्ड निकला है। उसके अलावा जो इसमें आपके लिए चीज एमसीक्यूज बेस्ड, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं इस वजह से मैं जो चीजें छोड़ रही होती हूँ ऐसा नहीं है कि वो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं। वैसे आप लोग अगर रीड करना चाहें तो जरूर रीड करें, क्योंकि मैं आप लोगों के एग्जाम बेस्ड चीजों को देख रही हूँ यहाँ पे सिर्फ, तो इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को एमसीक्यूज की ही तैयारी करवाती हूँ। इसके अलावा मैंने आयत मुबारक यहाँ पे जो है वो हाईलाइट किया, तो इसको रीड कर लीजिएगा। आयात बाकियों के बारे में भी मैंने यही कहा है कि एक बार रीड जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट है वो है सोर्सेज ऑफ इनकम इन इस्लामिक स्टेट, एक इस्लामी रियासत के अंदर इनकम के कौन कौन से, यानी कि गवर्नमेंट लेवल की बात हो रही है, गवर्नमेंट लेवल पे जो सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है ज़कात और उश्र। ज़कात क्या है ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप लोगों को पता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी, मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी होती है उस पर एक सर्टन रेट पे हम इसको ज़कात अदा करते हैं, 2.5% उसका अदा करना होता है। उश्र जो होता है वो हमारी ज़मीनों की जो प्रोडक्शन होती है उस पर अप्लाई होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है खराज है, तो खराज क्या होता है, खराज हम एग्रीकल्चरल लैंड जो होती है नॉन मुस्लिम्स की उनसे लेते हैं, जो मुस्लिम्स के होते हैं उनका उशर होता है, जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनसे खराज वसूल करते हैं। उसके बाद होता है जिजिया। जिजिया क्या होता है कि जब मुसलमान किसी इलाके को, किसी मुल्क को फतह कर लेते हैं तो वहाँ पे जो गैर मुस्लिम रह रहे होते हैं उनसे जो है वो गैर मुस्लिम पॉपुलेशन से जो लिया जाता है उनकी रिहाइश के बदले, उनकी प्रोटेक्शन के बदले, वो होता है जिजिया। उसके अलावा यहाँ पे एक और जो है नॉन मुस्लिम से जो जिजिया लिया जाता है, उसके बाद उशर यहाँ पे आया है। ये कहते हैं कि वो टैक्सेस होते हैं जो इस्लामिक गवर्नमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगाती है, कि बाहर से अगर हम वो चीज इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं तो उस पर लगता है। उसके अलावा है यहाँ पे हमारे पास के जब जंग होती है तो जंग की सूरत में जो चीज हमारे पास आती है, जंग होती है तो जो गैर मुस्लिमों का या जो भी हमारी अपोजिट पार्टी होती है उसका जो जो मालो दौलत हमारे पास आता है उसको गनीमत या बूटी कहा जाता है। उसके बाद दराइब हैं, दराइब वो कहते हैं एडिशनल टैक्सेस जो भी गवर्नमेंट इम्पोज करती है अपने सिटीजन के ऊपर जब जब उसे जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो जो यानी कि जो डिफेंस के लिए यूज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होते हैं, डिमांड है ना, रियासत की डिमांड है, उन्होंने जरूरतें पूरी करनी है गरीबों की, तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर एडिशनल टैक्सेज की जरूरत पड़े तो फिर सिटीजन पे टैक्स लगाए जाते हैं, उनको दराइब कहा जाता है। उसके अलावा जो ज़मीनों पे रेंट लिया जाता है, जब ज़मीन आप रेंट पे देते होते हो लैंड के, तो वो जो उन कल्टीवेटर से ली जाती है, यानी कल्टीवेटर्स उसको जो है वो कल्टीवेट करते हैं, उस पर काम करते हैं, लेकिन वो किसकी होती है, इस्लामिक स्टेट की जो ज़मीन होती है तो उसको लैंड टैक्स कहा जाता है जो उनसे फिर लिया जाता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे सोर्सेज एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू,
यहाँ पे जो एडिशनल चैरिटी, जो लोग चैरिटी करना चाहते हैं अल्लाह पाक की राह में, वो ज़कात और सदकात के अलावा इस तरह से देते रहते हैं, वो एडिशनल चैरिटी होती है। उसके अलावा एंडोवमेंट, पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई लैंड और प्रॉपर्टी जब कोई हिबा कर देता है अल्लाह ताला की रजा के लिए, वो एंडोवमेंट है। उसके अलावा हिबा यानी कि तोहफा दे देना विदाउट कंपनसेशन, बगैर किसी उजरत के किसी को कोई चीज़ दे देना। उसके अलावा विल यानी वसीयत कर जाना कि मेरे बाद अल्लाह ताला की रजा के लिए ये चीज़, मतलब मैं अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ दे देते हैं, इस तरह से कोई वसीयत करके गया होता है तो वो भी माल इस्तेमाल हो सकता है पब्लिक रेवेन्यू के लिए। उसके अलावा जो है वो सूद के बगैर जो हम कर्ज देते हैं, सूद के बगैर वाला कर्ज दिया जाता है, तो जितना मतलब दिया बस इतना ही मुझे वापस कर देना, ये भी इसमें आ जाता है। उसके अलावा बोरिंग, वैसे उधार लेना किसी से, कोई चीज उधार लेना, पैसे उधार ले लेना कि किसी की नीड सेटिस्फाई हो जाए। उसके अलावा ट्रस्ट यानी गिरवी, जो चीजें रखी जाती है कि एक सम टाइम पीरियड के लिए कोई चीज अपनी किसी के पास रख देना और उससे कुछ पैसे ले लेना, बाद में वो चीज वापस कर दी जाएगी। तो ये चीजें, ये भी जो सोर्सेज हैं। उसके अलावा जो ट्रेड होती है, तिजारत होती है, तो कौन सी जो है वो तिजारत जायज है इस्लाम में और कौन सी नहीं है? दो किस्म की होती है, एक होती है कानूनी जायज, दूसरी होती है प्रोहिबिटेड, यानी एक लॉफुल ट्रेड है और एक प्रोहिबिटेड ट्रेड है। तो कहते हैं जो लफज सेल है, सेल का लफज जो है वो मतलब बयू से निकला है। बयू जो है वो प्लूरल लफज, ये अरबी के लफज की बात हो रही है, जिसको इंग्लिश में तो सेल लफज यूज होता है ना, पर हम अरबिक में इस्लाम की बात कर रहे हैं तो अरबी में जो प्लूरल वर्ड है वो बयू है, और जिसकी वाहिद है वो बै है। बै बेचने के लिए वर्ड ये यूज होता है, टू गिव समथिंग इन एक्सचेंज फॉर समथिंग, ठीक है, यानी सेल करने के लिए, ओनर जब कोई चीज देता है किसी चीज के बदले। उसके अलावा जो यहाँ पे आपने याद रखना है, प्रोहिबिटेड ट्रेड कौन कौन सी है, यानी वो तजारत जो मना है इस्लाम में, वो कौन कौन सी है? सबसे पहले है बैल गरर। बैल गरर कौन सी होती है? वो कहते हैं कि ऐसी सेल करना जिसमें किसी किस्म का फ्रॉड पाया जाता हो, जिसमें आपके पास नुकसान के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं एक उड़ते परिंदे की बै कर देना, भाई जो आपने पकड़ा ही नहीं है आपका होता, आप उसको बेच रहे हो, सामने वाले को दे रहे हो, समझ भी आता है। जो परिंदा आपने पकड़ा ही नहीं है, उड़ते परिंदे की आप बैक कैसे कर सकते हो कि हाँ जी वो परिंदा मैं तुम्हें दूंगा, हो सकता है आपसे पकड़ा ही ना जाए, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी ऐसी इसी तरीके से पानी के अंदर मौजूद मछली की बैक कर देना, भाई आपने अभी पकड़ी ही नहीं है, आप उसकी बैक कैसे कर सकते हो? जो चीज आपकी है ही नहीं, आपके प्रॉपर्टी है ही नहीं, उसकी बै कर देना, यानी किसी किस्म का फ्रॉड उसमें पाया जाता है, इसको बैल हरर कराते हैं, और ये इस्लाम में प्रोहिबिटेड है, मना है। उसके बाद है सेलुल हसात। सेलुल हसात क्या होती है कि जिसमें जो है वो, ये एक ऐसी सेल होती है जिसमें सेलर बेचने वाला क्या करता है, कुछ कंकरियां जो है वो फेंकता है, हवा के अंदर फेंकता है, और बायर को बताता है कि जो मतलब जितनी मतलब जो है ना मतलब कंकरियां उसकी तरफ आएंगी इतनी मतलब उस हिसाब से प्राइस होगी उसके, ये भी मना है। उसके अलावा सेल मुनाबजात। सेल मुनाबजात क्या होती है? जो सेलर होता है वो बायर को बताता है कि मतलब वो जितने मतलब कपड़े या कोई चीज मेरी तरफ फेंकेगा उस हिसाब से प्राइस जो है जितनी जल्दी यानी करेगा, जितनी चीजें मेरे देगा उतनी जल्दी उस हिसाब से प्राइस डन हो जाएगी, और इसमें बायर को वो चीज बेचने का या कैंसिल करने का जो है वो कोई इख्तियार नहीं होता। उसके बाद है सेल अल मलामसा। सेल अल मलामसा क्या होती है कि मतलब जिसमें कमर्शियली यानी ब्लाइंडली, बस ब्लाइंडली आंखें बंद करके किसी चीज को, कमोडिटी को जो है वो टच करना और कहना कि ठीक है हाँ जी ये वर्दी है, ये हम खरीद सकते हैं या ये हम दे सकते हैं, मतलब चीज अच्छे से चेक ना करने देना किसी को, एवें बेच देना। उसके बाद है सेल और रिबा, यानी कि सूद पे जिसपे हम इंटरेस्ट लेते हैं, एक्स्ट्रा कोई चीज लेते हैं, करंसी हो किसी भी चीज में, रिबा सूद को कहा जाता है। तो सूद जिसपे इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है जिस सेल के अंदर, इस्लाम में ये भी मना है। उसके बाद है बैल आइना। बैल आइना वो होता है कि सेलर सेल करता है एक चीज उधार पे, ठीक है, पर उधार पे सेल करता है, इट इज नॉट परमिसेबल फॉर हिम टू बाय इट बैक, ठीक है, लेकिन वो उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो मतलब वही चीज अपने जो है वो वापस ले सके उस बंदे से या वापस खरीद भी सके, बेल आईना ये है। उसके बाद है सेल और बयाना। सेल और बयाना ये होती है कि आपने कोई चीज खरीदी है, ठीक है, किसी ने कोई चीज बेची है खरीदी है, तो उसकी एक कीमत एडवांस में जो है वो चीज की दी गई है, चीज जो है वो बाद में दी जाएगी। तो जो हम किसी चीज के एडवांस में कोई कीमत अदा करते हैं जितनी भी अदा की हुई है वो बयाना होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये सारी अनलॉफुल ट्रेड थी, इस्लाम में मना है। उसके अलावा एक और है सेल अलकाली बिलकाली। इसमें ये होता है कि पेमेंट भी उधार पे है और चीज भी उधार पे, दोनों बे आज की है, एग्रीमेंट आज की है, पैसे भी फिर कभी दिए जाएंगे और चीज भी फिर कभी दी जाएगी, ये भी इलीगल है। उसके बाद अब लॉफुल ट्रेड्स हैं, यानी कि जो इस्लाम में जायज हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है अल मुकायजात। अल मुकायजात में ये होता है कि चीजों के बदले चीजों की बाय करना, चीजों के बदले चीजें बेचना, जैसे कि चावलों के बदले गंदम हो गई, ठीक है, इसको बार्टर सेल भी कहा जाता है, जिसमें करेंसी यूज नहीं होती। इस्लाम इसकी इजाजत तो देता है, लेकिन साथ साथ इस्लाम ये भी कहता है कि चीजों की क्वांटिटी यानी वो इस हिसाब से फिर बराबर होनी चाहिए कि उनकी कीमत बराबर बन सके, ठीक
ठीक है। अब सोने के बदले अगर चांदी हो तो सोना चांदी के बराबर वजन में तो हम कर देंगे, कीमत तो बराबर नहीं हो सकती ना, तो यानी कि कीमतन भी वो चीजें फिर बराबर होनी चाहिए, इस चीज का हिसाब रख के हम एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स को। उसके बाद है एब्सोल्यूट सेल। एब्सोल्यूट सेल मतलब ये होता है कि सिंपली आप कोई चीज पैसों के बदले चीज ले रहे हो, बिल्कुल सही वाली बाय कर रहे हो। उसके बाद है सेल विद मनी, कैश फॉर कैश यानी कैश के बदले कैश, यानी कि करेंसी ट्रांजेक्शन जैसे होती है कि मतलब एक जो है करेंसी से दूसरी करेंसी में चेंज करना। उसके बाद है लीज पे कोई चीज देना, लीज पे यानी कि जो कहते हैं कि हम किसी को राइट देते हैं कोई चीज यूज करने का, या जिस तरह लेबर जो है वो पर्सन जो है वो काम करता है लेबर पे, फिजिकली या मेंटली हम लेबर दे रहे हैं उसके और उसके बदले वो हमें पे कर रहा है, तो ये होता है लीज पे चीज देना, या चीज पे देना या लीज पे खुद काम करना जो भी है ये आएगा। वो कहते हैं अब लॉफुल ट्रेड्स में आगे कुछ इसकी टाइप्स भी हैं, ठीक है। प्राइस पे के हिसाब से जो हम पैसे पे करते हैं उस हिसाब से अगर देखी जाए तो एक होती है कैश सेल। कैश सेल में क्या होता है कि जो परचेज कर रहे हैं हम आइटम और जो पैसे दे रहे हैं दोनों चीजें मतलब उसी वक्त कैश में हो रहा है, ठीक है। कैश सेल है ये कि जो चीज हम ले रहे हैं उससे, जो चीज हम उसकी प्राइस पे कर रहे हैं वो कैश में है, चीजें उसी वक्त हो रही हैं। फिर है प्रोमिजरी ट्रेड यानी कि ट्रेड मुअज्जल जो है वो, इसमें क्या है इफ द डिलीवरी ऑफ अ थिंग इज इमीडिएट, ठीक है, कि चीज उसी वक्त डिलीवर करनी है बट द पेमेंट ऑफ प्राइस इज फिक्स्ड फॉर द फ्यूचर, कि पेमेंट हम थोड़ी सी देर बाद कर देंगे, थोड़ा टाइम बाद में कर देते हैं, इसे हम कहते हैं कि बे मुअज्जल। फिर है बे सल्म। बे सल्म में क्या होता है कि फुल पेमेंट ऑफ प्राइस इज मेड इन एडवांस, कि प्राइस फुल जो है वो एडवांस में पे कर दी गई है लेकिन डेट फिक्स की गई है डिलीवरी की बाद में, ठीक है। वो कहते हैं नॉर्मली इस्लाम में इस चीज का अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन कुछ सूरत हाल कुछ कंडीशन वगैरह लगा के इसे अलाउ किया गया। फिर वो कहते हैं कि प्राइस के हिसाब से अगर सेल्स की जो चीजें देखें तो वो एक है कि सेल ऑफ मवासमा। मवासमा में क्या होता है कि सेलर जो है वो नहीं बताता कि मैंने ये चीज खुद कितने की ली थी, प्राइस परचेजिंग प्राइस जो कॉस्ट बताए बगैर उसकी प्राइस सेट करता है और अपने हिसाब से उसको बेच देता है। फिर है बे मुराबहा। बे मुराबहा में क्या होता है कि सेलर जो होता है वो एक डिस्क्रिप्शन बनाता है, बताता है कि मैंने इतने की ली थी, इतना मैं इस पर प्रॉफिट ले रहा हूँ और फिर उस हिसाब से वो चीज बेचता है। बे तवलिया में क्या होता है कि सेलर जो होता है वो नहीं अपना प्रॉफिट और लॉस रखता ही नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि वो सेल कर देता है एक आइटम उसी कॉस्ट पे जिस पे उसने खरीदी थी विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसको जो है वो बेल बैतवलिया कहा जाता है। उसके बाद बैवजिया होता है जिसमें क्या होता है कि वो अपनी परचेजिंग प्राइस से भी कम पे यानी लॉस में रह के चीज बेच देता है, तो ये प्राइस के हिसाब से चार इसकी जो है वो बनती है। उसके बाद है रिबा यानी सूद जो प्रोहिबिटेड है इस्लाम में, उसकी बात हो रही है। तो कहते हैं यूजरी और इंटरेस्ट दो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, इसको इस्लाम जो है वो अरेबिक में अल रिबा कहा जाता है और रिबा का मतलब होता है इंक्रीज या एक्सेस, ज्यादती जो होती है, ठीक है। आगे जो इंटरेस्ट यानी सूद की जो टाइप्स हैं वो दो हैं, एक रिबा बिल कुरान है एक रिबा बिल हदीस जिसका दूसरा नाम रिबा बिल फजल और रिबा बिल नसीहा है। अब रिबा नसीहा जिसको रिबा उल कुरान भी कहा जाता है, इसको रिबा उल कुरान इसलिए कहा जाता है कि इसमें बकायदा कुरान में मना किया गया है कि एक चीज की जो है वो ओरिजिनल अमाउंट से ज्यादा उस पे जो लेना वो मना है, ये रिबा है। दूसरी है रिबा उल फजल। रिबा उल फजल ये होता है, इसको रिबा उल हदीस कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी जो ममानियत आई है वो हदीस में आई है कुरान में नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि किसी से एक चीज लेना और उसके बदले जब वापस ले रहे होने तो उसे डबल लेना, ठीक है। तो ये चीज मना की गई है क्योंकि इसी से फिर आगे सूद वाला सिस्टम चलता है और ये जो हदीसे मुबारक है इसके बारे में आई है कि किसी से भी दो दिनार एक दिनार के बदले दो दिनार ना दो या एक दिरहम के बदले दो दिरहम ना बेचो। ये इस हदीसे मुबारक के बारे में ये चीज है रिबाउल फजल कि किसी भी चीज जब जितनी ली है इतनी ही वापस करो, ये कुरान में इस चीज से मना किया गया है। उसके अलावा ये बीच में आयात मुबारक है इनको आपने पढ़ लेना है और इसमें से मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगा लेकिन ओवरऑल ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जो जितनी भी इसमें टाइप्स वगैरह आई हैं ये आपसे पूछी जा सकती हैं और इनको टाइप्स को अच्छे से समझ भी लीजिएगा, हो सकता है पूरी डेफिनेशन और आपको नाम बताना पड़े, तो इस लिहाज से जो है वो इसको याद रखिएगा। एमसीक्यूज किसी भी तरह से इसमें से बन सकता है, बाकी जितना मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट था वो मैंने कवर कर दी। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 28 और इसमें जो है इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन, तालीम और जो है वो नॉलेज के बारे में इस्लाम का क्या कंसेप्ट है। तो वो बताने से पहले उन्होंने ग्रीक पीरियड का जो है वो एक कंसेप्ट दिया हुआ है कि ग्रीक्स जो है उनके फिलोसफर्स का ये मानना था कि जब भी इंसान के माइंड में कोई आइडिया बनता है ना, कोई बात आती है, तो वो उसको हम जो है वो नॉलेज कहेंगे, चाहे वो रियलिटी के बेस पे हो या अगेंस्ट रियलिटी हो। अगर तो वो चीज़ साबित हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, तो फिर वो नॉलेज। अगर नहीं होती, डाउट है, इल्यूजन है कोई, तो फिर भी वो उसे नॉलेज ही कहते हैं। जबकि इस्लामिक जो कंसेप्ट है नॉलेज का वो बहुत अलग है। इस्लाम इस कंसेप्ट को रिजेक्ट करता है और इस्लाम ये कहता है कि जो नॉलेज होता है वो जहालत को, इल्यूजन्स को, डाउट्स को खत्म करता है। इल्यूजन और डाउट्स पे बिना पे कभी नॉलेज नहीं होता, ठीक है। नॉलेज है ही वो जो हमारे डाउट्स और इल्यूजन्स को खत्म करता है। इस वजह से वो कहते हैं कि नॉलेज में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हमारी जहालत को, हमारे शकूक व शुबहात को, सस्पिशंस को खत्म कर सके,
ठीक है। तो ये है, उसके बाद जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं वो चार होते हैं। सबसे पहला सोर्स होता है सेंसेस, फाइव सेंसेस। आपको पता है फाइव सेंसेस कौन से होते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है। उसके बाद है इंटेलेक्ट, यानी कि हमारी अकल। ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस नॉलेज गेन फ्रॉम द सेंसेस प्रोवाइड लाइट टू इंटेलेक्ट, यानी जो हम इन सेंसेस से इल्म हासिल करते हैं उसके बेस पे हमारे जो इंटेलेक्ट है, यानी जो हमारे दिमाग है, वो कोई ना कोई जो है वो उसमें एनालिसिस करता है उस इंफॉर्मेशन का। तो इंटेलेक्ट के भी फाइव पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हिस्से मुश्तरक, हिस्से वाहिमा, हिस्से मुतसरफा, हिस्से ख्याल और हिस्से हाफिजा। ये दिमाग के पांच हिस्से हैं, ये भी याद रखने हैं अपने, फाइव सेंसेस ऑफ इंटेलेक्ट। उसके बाद है इंट्यूशन। देर आर मैनी फैक्ट्स एंड साइंस इन द यूनिवर्स विच डू नॉट कम विद इन द लिमिट्स एंड स्कोप ऑफ एक्सटर्नल सेंसेज इंटेलेक्ट। वो कहते हैं वो चीजें जो जिनको हमारी अकल या हमारे जो बैरूनी सेंसेज हैं वो नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ ऐसी चीजें भी हमारे यूनिवर्स में पाई जाती हैं। यानी जो मैं अगर ये बात कहूँ कि जो साइंस जिनको नहीं मानती है, वो सी चीजें आप मुसलमानों के अकायद में ये चीजें, जैसे हम अल्लाह ताला को मानते हैं, तो अब ऐसी कौन सी चीजें, ना हमारे सेंसेज ने अल्लाह ताला को देखा, ना हमारी अकल इस चीज को वो जो है वो कर सकती है। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, तो वो इंट्यूशन में आती हैं। तो इंट्यूशन में भी जो है वो उनको जो है वो भी पांच हिस्से हैं उसके। तो लतीफ़ा कल्ब, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा सिर, लतीफ़ा खफी, लतीफ़ा अखफी। तो ये भी पांच आपने जो है वो याद रखने हैं। उसके बाद है रिविलेशन। रिविलेशन यानी कि अलका होना, वही जिसके लिए आप कह सकते हैं कि यानी वो नॉलेज जो आपको इन तीन सोर्सेज के अलावा हासिल होता है, इन तीन सोर्सेज से नहीं, यानी ना ही आपको अकल से हासिल हो रहा है, ना ही आपको सेंसेज से हासिल हो रहा है, ना ही इंट्यूशन से, जिस तरह की अब वही जो होती थी, तो वो जो है वो रिविलेशन आ जाता है। तो रिविलेशन जो है वो उसकी तीन किस्में हैं आगे। रिविलेशन टू हार्ट, डायरेक्टली दिल पर कोई बात अलका कर देना। रिविलेशन फ्रॉम गॉड, डायरेक्टली अल्लाह ताला का हम कलाम होना, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए, या फिर मेराज के मौके पर सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो कलाम किया। उसके अलावा जो रिविलेशन थ्रू एंजल्स, फरिश्तों के जरिए जो मतलब इल्म दिया जाता रहा। तो ये तीन किस्म का इल्म ऐसा है जो इनके जरिए आता रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, चार सोर्सेज ऑफ नॉलेज है टोटल। उसके अलावा जो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी इस्लाम में नॉलेज की क्या अहमियत है उसके बारे में आयत मुबारक का तर्जमा वगैरह आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। पहली आयत मुबारक ही इल्म पे नाजल हुई थी, ठीक है। उसके ये उस तरह की आयत तो यहाँ पे दी गई है, आप इनको रीड कर लीजिएगा। इसमें से आयत मुबारक या हदीस मुबारक आ सकती है पेपर में, इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा। फिर है टाइप्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूजफुल नॉलेज और एक होता है यूजलेस नॉलेज। ये बस इनके नाम याद रखने वाली चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे मतलब इस्लामिक सोसाइटी में मुसलमान औरतों के लिए तालीम की बात हो रही है कि औरतों को भी तालीम इस्लाम ने इजाजत दी है, और इस्लाम इतना ही इल्म का जो है वो मर्द के लिए हामी है जितना औरत के लिए हामी है। उसकी मिसाल में इन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि हजरत आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उम्मुल मोमिनीन जो है वो हाफिजा थी, और उन्होंने कुरान की जो है वो तफसीर भी की है, और 2210 अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे जो है मरवी है, जिससे पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की जो सब जो इस्लाम लाने वाले हैं उनके दौर में भी औरतों के इल्म की जो है मतलब जो है वो थी। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो और भी कुछ मतलब हजरत उम्मे सलमा की बात हो रही है, लेकिन मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लगी, लेकिन इसके अलावा भी है, हजरत हफ्सा भी थी, और उसके बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत हबीबा भी थी। तो इनका भी काफी रोल है अहदीस को, अहदीस में, और उसके अलावा ये स्कॉलर्स रही हैं अपने टाइम की। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ताबईन में से, यानी सहाबा कराम के बाद का जो दौर था उसमें से कुछ औरतों के नाम वगैरह दिए गए हैं, बहरहाल इसको एक रीड कर लीजिएगा, लेकिन मुझे लगा नहीं है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है या इतना मतलब इसमें से कुछ आ सकता है, लेकिन एक बार रीड कर लीजिएगा, क्या पता किसी औरत के बारे में कुछ पूछ भी लिया जाए। लेकिन यहाँ तक कि 28 लेक्चर्स में से इंपॉर्टेंट था वो जो हवास के बारे में, अकल की भी इकसाम है, सेंसेज की भी इकसाम है, इंट्यूशन की भी है, उनको अच्छे से कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज बेस ज्यादातर आ सकते हैं। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 29, जिसमें हमने इस्लाम एंड साइंस, और लेक्चर नंबर 30 भी इसी का पार्ट है कि इस्लाम साइंस के बारे में क्या कहता है, या साइंस में जो नॉलेज है उसके बारे में क्या इस्लाम इस मेथड को यूज करता है या नहीं करता, इस बारे में ये है। सबसे पहले है साइंस। साइंस क्या है? साइंस इज द बेसिकली नेम ऑफ नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ समथिंग थ्रू अ सिस्टमेटिक मेथड, यानी बाकायदा एक सिस्टम के जरिए जो नॉलेज हासिल किया जाता है, यानी कि समझ लो कि जो अक्ल भी जिस चीज को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, उस नॉलेज को जो है जो साइंस मेथड, एक साइंटिफिक मेथड या फिर एक सिस्टमेटिक मेथड के बेस पे जो नॉलेज हासिल किया जाता है उसको हम साइंस कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में अब अल्लाह क्या कहता है कि हमें अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया है कि हम इन चीज़ों को जो है वो चीज़ों पे जो ज़मीन में चीज़ें चल फिर रही हैं और आसमान ज़मीन चिरिंद परिंद सब चीज़ों पर गौर करें, हमें खुद जो है वो इस्लाम इस चीज़ की तरफ लेके आता है कि, और ये साइंस का इल्म यानी ये साबित ये करने की कोशिश की जा रही है इन सारी आयात से कि इस्लाम इस चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करता, इस्लाम साइंस के खिलाफ नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे आयात मुबारक में यही चीज़ बयान हो रही है, इस चीज़ को रीड कर लीजिएगा। उसके बाद वो कहते हैं क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड इट्स फॉर्मेशन सिस्टम,
अब साइंस और कुरान की थ्योरी अलग अलग है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। जो साइंटिफिक थ्योरी है वो ये कहती है, बिग बैंग थ्योरी जिसमें सबसे बड़ी है, वो कहती है कि ये जो मतलब बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि जो यूनिवर्स बनी है, ये कायनात बनी है, ये कैसी है, एक धमाका हुआ था आज से तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले, एक धमाका हुआ था और एक बिल्कुल नुकता था और उसके फिर मटेरियल जो उसके अंदर था सारा वो फैल गया कायनात के अंदर और सुपर एटम्स बन गए जी, उसी में फिर कोई गैलेक्सी बन गई, तो फला फला ये सारी कायनात जो है वो एक बॉम धमाका यानी एक ब्लास्ट की नतीजे में अमल में आई है, ठीक है, इस दुनिया जो ये बनी है। जबकि दुनिया का बारे में जो इस्लाम का है वो तो आप लोगों को पता ही है कि अल्लाह ताला ने इसे जो है वो बनाया है, हम इस चीज़ पे करते हैं। उसके बाद जो दूसरा है दुनिया के बारे में एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, कि ये यूनिवर्स रोज जो है वो फैल रही है, इसके बारे में भी जो है वो उनका जो अकीदा है उसमें अब यहाँ पे कुछ ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि एस्ट्रोनॉमर है एक एडविन हबल, सबसे पहले इसने ये चीज़ बयान की थी के मतलब फर्स्ट टाइम इसने कहा था कि हमारी सिर्फ गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं सिर्फ ये गैलेक्सी नहीं है, इसके अलावा भी गैलेक्सीज पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो मतलब और जो इन गैलेक्सीज के दरमियान फासला है वो बढ़ता जा रहा है। फिर 1965 के अंदर दो अमेरिकन जो हैं फिजिस्ट थे, आर्नो पेंजियाज और रॉबर्ट विल्सन, इन्होंने ये चीज प्रूव की बकायदा कि जो डिस्टेंस है गैलेक्सीज के दरमियान वो एक्सटेंड हो रहा है। फिर उसके अलावा दो साइंटिस्ट थे जो काम कर रहे थे बेलफोन लेबॉरेटरी में न्यू जर्सी यूएसए के अंदर, उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया 1978 के अंदर, ये उनके बारे में बात हो रही है। फिर स्टीफन हॉकिंग भी जो है वो एक टॉप साइंटिस्ट थे अपनी इसी सेंचुरी के, 90s की सेंचुरी के, जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। अब ये चीजें जो 19 और 20 सेंचुरी के अंदर यहाँ पे साबित हो रही हैं, कुरान ने आज से 1400 साल पहले ही ये बात एक्सप्लेन कर दी थी और उसके बारे में ये आयत है, वस्समा अबैनहा बिअयदिन व इन्नहा लमूसियून, इस आयत मुबारका में सूरह फातिर की ये आयत है जिसमें कुरान ने एक्सप्लेन किया है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रही है जबकि साइंस इसे आज तस्लीम कर रही है। उसके बाद जो है वो जो एवोल्यूशन है इंसान के अंदर, जो एवोल्यूशन हुई है वो दो किस्म की होती है, एक होती है केमिकल एवोल्यूशन और एक होती है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन की वो उसकी पैदाइश कैसे हुई है, नुक्ते आगाज क्या है, तो अल्लाह ताला ने 7 स्टेजेस इंसान की एवोल्यूशन के बयान किए हैं कुरान पाक के अंदर, वो ये हैं क्ले, वाटर, मड, स्टिकी क्ले, उसके बाद स्टिंकी क्ले, फिर ड्राई मड साउंडिंग लाइक अर्थवेयर और एक्सट्रैक्ट ऑफ क्ले, ये सारे जो है वो 7 स्टेजेस बयान किए गए हैं कुरान के अंदर। फिर होता है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, वो भी जो है जो मतलब आज साइंस तो आज हमें बता रही, कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दी थी। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की जो बात हुई है कि किस तरह मतलब हमने इंसान को पैदा किया, वो भी इस आयत मुबारक में बताई गई है कि किस तरह एक नुतफा यानी एक पानी के एक जो है वो उससे हमने एक्सप्लेन पूरा एक्सप्लेन किया है अल्लाह पाक ने कि किस तरह जो है वो एक इंसान बना। उसके बाद अप्रोचिंग टू द मून के चांद पर पहुंचने की जो बात है जो आज साइंस बयान कर रही है कि मतलब साइंटिस्ट ने ये चीज साबित की है कि हाँ जी जाया जा सकता है, 1400 साल पहले ही कुरान ने बता दिया था कि चांद पे जाया जा सकता है, ठीक है। हालांकि जुलाई 1969 में फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ये इस चीज पे आए थे कि हाँ जी चांद पे जाया जा सकता है, लेकिन जो है वो पहले ही जो है वो कुरान ने ये चीज साबित कर दी थी, यानी कि साइंस के खिलाफ नहीं है। उसके अलावा जो चांद सूरज की हरकत है, वाटर साइकिल है, और मतलब जितने भी और जो दो इंटरकनेक्टेड सीज हैं यानी एक साथ बहते हैं लेकिन उनका पानी नहीं मिलता, ये जो आज साइंस इन चीज़ों पे बात कर रही है कुरान इन सब चीज़ों पे पहले ही बात कर चुका है। ये आयात मुबारक हैं, आपको रीड करनी पड़ेंगी, इसमें से एमसीक्यूज बेस और कुछ भी नहीं है इस लेक्चर के अंदर से। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 30 इस्लाम एंड साइंस के बारे में ही है कि अब जो रोल ऑफ मुस्लिम्स हैं, जो मुसलमानों का रोल क्या है साइंटिफिक डेवलपमेंट और प्रमोशन के अंदर, क्या मुसलमानों ने शुरू से ही कोई काम नहीं किया, यानी आज कहा जाता है ना कि इस्लाम जो है वो जदीद चीज़ों के साइंस के खिलाफ है, तो क्या ऐसा ही है कि ये साइंस सारी की सारी ही अंग्रेजों की ईजाद है, ये सारी मगरब की ईजाद है साइंस सारी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत से हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने जो है वो हर फील्ड में काम किया है, यहाँ पे उन्हीं के बारे में थोड़ा सा जो है वो उंदलिस के मुसलमान जो है इब्न रुश्द, उनको जो है वो मतलब सन स्पॉट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। उसके बाद जो कैलेंडर है, कैलेंडर इसको रिफॉर्म किया था उमर खयाम ने। उसके बाद सन एंड मून रोटेशन जो है, ये सोलर इक्लिप्स एस्ट्रोनॉमी, इनके रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज अल बतानी और अल बैरूनी, ये इन चीजों के बारे में बहुत मशहूर हैं प्लैनेट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन के बारे में, और ये सारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो मैथमेटिक्स और अलजबरा में अगर नाम लिया जाए तो अलख्वारज्मी का नाम बहुत ज़्यादा आता है मैथ और अलजबरा ज्योमेट्री के अंदर, इनको तो है फाउंडर कहा जाता है इन फील्ड्स का, यानी आज जो एल्गोरिथम और इन सारी चीज़ों की बात आती है तो ये एल्गोरिज्म और एल्गोरिथम उन्हीं की जो है बुक से ये नाम लिया गया है, उन्होंने बुक्स लिखी थी अलजबरा वल मुकाबला,
ठीक है। तो ये उन्होंने, ये मुसलमान हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इतना ज्यादा काम किया हुआ है और आज इन चीजों को जो है इतनी पीक पे लाया जाया गया। तो कहते हैं इसके अलावा जो है वो जीरो का जो कंसेप्ट है, लफ्ज़ जीरो का कंसेप्ट, ये 250 साल पहले ही मुसलमानों ने दे दिया था यूरोप में, तो इसे बाद में सिखाया गया। उसके बाद वो कहते हैं कि अल मराक्सी ने 70 किताबें लिखी हैं मैथमेटिक्स की ब्रांचेस के ऊपर। उसके अलावा जो है मैकेनिक्स, डायनामिक्स और फिजिक्स की बात हो तो अल राजी ने प्रमोट किया कॉस्मोलॉजी को, अल बगदादी और मुल्ला सदरा ने आइडियाज दिए थे मोशन एंड वेलोसिटी के बारे में, जो साइंस की आज मॉडर्न साइंटिस्ट जिस चीज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे इन्होंने मतलब आइडियाज दिए थे कि आज के साइंटिस्ट भी इस चीज पे हैरान हो जाएं। तो ये नाम आपको इन फील्ड्स के हिसाब से याद रखने पड़ेंगे। बॉटनी की बात की जाए तो बॉटनी में जो है अल दनवारी, उनकी किताब है किताबुल नबात, जिसकी 6 जिल्दें हैं। 6 जिल्दों में उन्होंने जो है वो बॉटनी के इंसाइक्लोपीडिया पे पूरी बात की हुई है। उसके अलावा है इबन अल अवाम, उन्होंने कंपाइल किया है एक बुक को जिसमें उन्होंने 585 प्लान इंट्रोड्यूस करवाए हैं बॉटनी को, बॉटनी के मुख्तलिफ फील्ड्स को उन्होंने उसमें इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो उसके अलावा यहाँ पे मेडिकल फील्ड की भी बात की है तो मेडिकल फील्ड में भी अल राजी का नाम आता है, अबुल कासिम अल जरावी का बात आता है, इब्ने सीना, इब्ने रुश्द और इब्ने खलदून। ये बहुत से ऐसे नाम हैं जो मुसलमान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इन फील्ड्स के अंदर काम किया है। ये आपको इन फील्ड्स के हिसाब से कुछ नाम जो है ये याद रखने पड़ेंगे, आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज बेस के हिसाब से। वैसे तो आप लोगों का एमसीक्यूज बेस पेपर और एमसीक्यूज वो कहीं से भी ले सकते हैं, इस वजह से मैंने तरतीब से सारे लेक्चर ही आप लोगों को करवाए हैं। फिर भी अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूँ पेपर्स के लिहाज से, तो जहाँ से आपका सिलेबस शुरू होता है 16वें लेक्चर से लेकर 20 लेक्चर तक, यानी खुलफाए राशिदीन वाला टॉपिक और ऊपर से सीरत नबी वाले टॉपिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ 27वां लेक्चर जो इकोनॉमी के रिलेटेड है, और फिर ये आखिरी जो है यहाँ पे जो कुछ हमारे साइंटिस्ट्स के नाम है, ये वाले लेक्चर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें सबसे ज्यादा आप लोगों का पेपर आएगा। इनमें से एमसीक्यूज आपने ज्यादा अच्छे से तैयार करने हैं, और मैंने जो हाईलाइट कर दिया है वो तो आपने तैयार करना ही करना है, यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि मैंने आयात हाईलाइट नहीं की है, तो आयात को आपने रीड जरूर करना है, और खास तौर पे जो कॉमन आयात है, जो आपको पता है मोस्टली इल्म की बात हो या फिर जैसे हकूक की बात हो, तो जो आयात बहुत ज्यादा कॉमन कॉमन आती हैं उन आयात को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उनमें मिसिंग वर्ड्स करके भी जो है वो एमसीक्यूज बनाए जाए। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि इस सिलेबस के अंदर से जो भी एमसीक्यूज बन सकता है, हर एक एमसीक्यूज को मैंने हाईलाइट किया है और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक और शेयर करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचे। जितनी मैंने मेहनत की है इतना फिर आप लोगों को तो फायदा हो ही, हमें भी फायदा हो। दुआओं में याद रखिएगा, फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।